जो भी व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा वही यहां कामयाब होगा। Hey, good morning all of you. जिसको मेरी voice proper आ रही है वो wave करके बताएंगे। वेरी गुड, सभी को आ रही है। के सो मोटिवेशन फुल है सभी के अंदर। वेरी गुड, वेव करके बता सकते हैं ना, सुन तो हम नहीं पाएंगे आपको। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वनीशा सिंगल है एंड इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना 6 kg वेट रिड्यूस किया था। वेट मेरा बिल्कुल मेंटेन है अभी। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, मेरा इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट अभी मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है न्यूट्रिशन को यूज करके। एंड इस कम्युनिटी में मुझे मेरे फादर, मेरे मेंटोर मिस्टर विजय सिंगल जी लेके आए थे, सो जिनकी गाइडेंस पे मैंने न्यूट्रिशन यूज किया है एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं। ओके, सो आज की सक्सेस टॉक के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? हम तो बहुत एक्साइटेड है ना। सो ज्ञानेंद्र सर को सुनने के लिए एंड ज्ञानेंद्र सर की अमेजिंग ट्रेनिंग लेने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, बट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे
थोड़े से कम लोग आए हैं, कुछ लोग अभी रह गए हैं ज्वाइन करने से, तो आपके पास अभी 4-5 मिनट्स हैं हमारे गेस्ट स्पीकर को आने में भी, है ना। तो आप फटाफट से कॉल करके उन्हें ज्वाइन करवा लीजिए ताकि कोई भी इस अमेजिंग सेशन से छूट ना जाए, है ना। फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा ट्रेनिंग के 1 आवर के बाद कि आप उनको भी ज्वाइन करवा सकते थे बट आप नहीं करवा पाए, है ना। और आपकी एक कॉल की वेट है, शायद वो आपकी कॉल का ही वेट कर रहे हो कि आप कॉल करेंगे एंड देन वो ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, सो फास्टली जो जो रह गए हैं पार्टिसिपेंट्स में जाके सर्च कीजिए, आपका जो कंज्यूमर, आपका जो कोच नहीं आया है उन्हें कॉल करके फटाफट से ज्वाइन करवाइए। ओके, यस। सो अभी मैं हम सभी के मेंटोर, हम सभी के सीनियर कोच विजय सर को इन्वाइट करूंगी, देन सर हमारे गेस्ट स्पीकर को इन्वाइट करेंगे। ओके, सो क्लैपिंग के साथ हम विजय सर को इन्वाइट करेंगे स्क्रीन पे। सो वेलकम विजय सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन, ओवर टू यू। वाओ, थैंक यू सो मच मनीषा, एक बार जबरदस्त क्लैप करेंगे हम लोग फॉर मनीषा सिंघल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो कैसे आप सभी, दोनों हाथ से वेव करके बताएंगे, अगर मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है तभी वेव करेंगे आप। वेरी गुड, कंचन जी एंड फैमिली वेव कर रहे हैं सामने, वेरी गुड। देखिए आपको एक फौजी एटीट्यूड के साथ बैठना पड़ेगा, है ना, जैसे हमारे सामने फौजी बैठे हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि हमें फौजी एटीट्यूड के साथ ही वर्क करना है, है ना। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन, माई सेल्फ विजय सिंघल, मेरा नाम विजय सिंघल है और मैं हरियाणा यमुनानगर से हूं, और इधर 700 फैमिली, मतलब बोले तो 2000 लोग यहां पर अवेलेबल हैं, क्योंकि एक परिवार में मिनिमम 3, वैसे हम भारत में हैं तो इधर 6 भी होते हैं, हम तो अपने परिवार में 10 थे, नहीं 11, 6 बहनें 3 भाई मम्मी पापा, छोटी फैमिली है ना, एक कम था, है ना, 12 होने चाहिए थे, तो अभी तो 2 और 3 होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने स्टोरी बता दी आपको इसी के बीच में। तो अभी एक्चुअल होता क्या है, 1, 2, 3 कुछ लोग आप अभी भी शायद बेड पे होंगे, कुछ लोग शायद इधर उधर काम कर रहे होंगे, बट आपने बिल्कुल सेंटर में रख के इसको और तेज आवाज की हुई है और सभी को ये सुन रहा है। और लाइफ में टर्निंग पॉइंट एक ही चीज से, एक लाइन से भी हो सकता है ना। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या नए हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम विजय सिंघल है, मैं हरियाणा यमुनानगर से हूं और इस कम्युनिटी में 8 साल पहले आया था और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि मेरे फादर साहब जब जॉब किया था तो 30 रुपए महीने पे सैलरी पे वो उन्होंने जॉब शुरू किया था और लगभग 5,800 रुपए वो रिटायर हो गए थे, 5,800 रुपए पर मंथ पे रिटायर हो गए थे आज से 20 साल पहले। तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था कि उधर साइकिल का सपना भी एक सपना होता था, है ना। तो और इस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत जबरदस्त लाइफ चेंजिंग हो चुकी है, मतलब मैंने 2 महीने में यहां से 8 kg फैट लॉस किया, 5 इंचेस कम किया, टोटल अभी तक 13 kg फैट लॉस किया और 8 इंचेस कम किए हैं। कैन यू इमेजिन कि मैं यहां इंचेस कम करने भी नहीं आया था और वजन कम करने भी नहीं आया था, मैं यहां पैसा कमाने आया था। अपने स्पॉन्सर को बोला था कि मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जेब इतनी फटी हुई थी कि पैसे की जरूरत ज्यादा थी, सेहत की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं करता था, थी तो, बट उसके बावजूद भी फिटनेस लेके आया, है ना। तो फिटनेस लेके आया और मुझे पूछते बताते यहां से पहले महीने 22,645 रुपए 43 पैसे का चेक आया और मैं पहले महीने में सुपरवाइजर बना यहां से, दूसरे महीने में वर्ल्ड टीम, चौथे महीने में एक्टिव वर्ल्ड टीम और 7वें महीने में ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। और मेरा सपना था इधर से 70,000 रुपए महीना कमाना और वो मुझे 7 महीने के बाद आने लगे थे। उसके बाद पिछले 5 साल से 7 डिजिट इनकम आती है, 7 डिजिट कैलकुलेशन आप बाद में लगा लेना मीटिंग के बाद, पिछले 5 साल से 7 डिजिट इनकम आती है यहां से। तो लाइफ इज बिंदास झिंगा लाला, है ना, बोले तो सपने पूरे होते हैं। मैंने एक सुंदर सा ऑफिस बनाया यहां से और उसके बाद एक सुंदर सा घर बना रहा हूं यहां से, है ना, बड़े वाला घर। तो कभी पूरी फुल स्टोरी होगी तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट आज मैं आपको यहां इसलिए आया हूं बात करने के लिए कि आज की जो पर्सनैलिटी है, अभी मनीषा ने बोला कि अवर मेंटोर, है ना, कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, विजय सिंघल एंड ऑर्गेनाइजेशन का ये आज मीटिंग है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे मिलीनियर टीम 75 गेट 2500 गेट टीम
वर्ड टीम सुपरवाइजर एंड ऑल एसोसिएट्स और प्रेफर्ड कस्टमर से बनता है। सब मिलके हमारी ट्रेनिंग लगभग लगभग हर रोज लेते रहते हैं और हमारे सक्सेस टॉक में 1.5 से 2,000 व्यक्ति वैसे ही होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ कुछ लोग अपने क्लब्स में बैठे हैं जहाँ पे 3, 5, 7, 10, 20 लोग भी हैं, क्योंकि अभी मौसम ठीक हो गया है, बाहर लोग निकलना शुरू कर दिया है तो क्लब में भी आके बैठते हैं लोग अपने अपने। तो आप मेरी ट्रेनिंग लेते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है, बट अभी जब आज आप ज्ञानेंद्र सर की ट्रेनिंग लेंगे तो आप सबकी खुशकिस्मती होगी। बट उससे पहले अभी कुछ लोग आपको, कितने लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, बोला किसी ने किसी को? हाँ देखिए कुछ लोग खुश हो रहे हैं, बिल्कुल सभी को बोलते हैं, आप उसे पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और कितने लोगों को पता है कि भारत में इन्फ्लेशन होता है, हर देश में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन बोलते तो महंगाई, जो जॉब में उनको पता है महंगाई भत्ता लगता है ना। अगर मैं बात करूं 9-10 साल पहले इन्फ्लेशन रेट भारत का 7 से 10% था, कितना था? 7 से 10%। आज मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात आपसे करने वाला हूं 5 से 7 मिनट, देन उसके बाद हम लोग अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाने वाले हैं, क्योंकि आज उनकी एक पहले भी प्री मीट है और बाद में भी एक प्री मीट है, वो पूरे 1 घंटे के लिए सिर्फ हमारे बीच में आने वाले हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन से आया है, वो जो बोलते हैं ना स्वेलिंग हो गई है, बढ़ना, मतलब हमारा पहले 8 इंच था कमर और फिर 18 इंच हो गया है स्वेलिंग होने के बाद, है ना। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन से इन्फ्लेशन आता है। तो अभी अगर हम बात करें पिछले 9 साल में 6% से लेके 7% तक का इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी है। तो अभी तो कुछ लोग बोलते हैं, जब मैं यहाँ आया था हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में तो मैंने शुरू भी नहीं किया था तो 1599 रुपए का शेक होता था, बट उसके बाद जब मैं स्टार्ट किया तो 1788 रुपए का शेक था, और अभी कितने का है? अभी भी हमें वो क्या लगता है, सस्ता लगता है जितने इंग्रेडिएंट उसके अंदर हैं। बट मैं अभी 2-3 स्लाइड से आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है। मतलब सभी को पता है हम लोग सोया प्रोटीन यूज करते हैं और सोया ऑटो डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट्स होता है, अगर हम बात करें तो वो डबल हो गया है, बट कैसे, आपको मैं कुछ स्लाइड से एक बार दिखाना चाहूंगा और फिर आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि आप लोगों का इनकम बढ़ने वाला है, और जितने भी एसोसिएट एंड अबव हैं वो सब अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, आप लोगों का इनकम अगले महीने से और ज्यादा बढ़ने वाला है ना। जस्ट वेट, और ये देखिए जो भी बुद्धिजीवी हमारे बीच में है वो ध्यान से देखें। यस, इट्स कॉल्ड इंडिया इन्फ्लेशन रेट ईयर वाइज, पिछले 9 साल में 57.6% इन्फ्लेशन यानी इंक्रीज हुआ है, और अगर आप बुद्धिजीवी लोग हैं तो देख सकते हैं सोर्स, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है किस सोर्स से ये लिया गया है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाया और दे दिया, इसके लिए हमने तैयारी की है। 2015 में 4.9% था और अगर अभी सितंबर की बात करें हम लोग तो लगभग 7.44 हो गया ये, बट कभी 3.5% रहा, कभी 4%, कभी 4.25%, एवरेज इसका 6.4 का रहा है पिछले 9 साल में। इन्फ्लेशन महंगाई जो बढ़ी है, अगर एवरेज देखें ईच ईयर का तो 6.4%, आप समझिए। मतलब मैं तभी बोलता हूं कि अगर आपके पास कोई भी पैसा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, मान लो जितना इन्फ्लेशन है कम से कम उतना इंक्रीमेंट तो आपको लगना चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी को? ये देखिए आप, हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया इन्फ्लेशन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, हम अगर सिर्फ बात करें कुछ भी जो भी हम चीजें यूज करते हैं, है ना, उसके हिसाब से मान लो अगर कोई चीज 9 साल पहले 104 रुपए की थी तो आज 157 रुपए की है। क्लियर, मतलब 100 रुपए की वैल्यू आज 157 रुपए, जो चीज हमें 100 में मिलती थी पहले 9 साल बाद आज वो 157 में मिलती है। नेक्स्ट ये देखिए आप, सिर्फ एक सोर्स से हमने मिल्क का एग्जाम्पल लिया, मिल्क जो 49 रुपीज था आज वो 66 रुपीज है। अगर हम और किसी चीज की बात करें, आप ये ले सकते हैं वीट, अनाज, आटा, मतलब 23 रुपए था तो आज 33 रुपए है, लगभग इसका इंक्रीज रेट बढ़ा है 4.5%। बट अगर हम लोग चाय कॉफी की बात करें तो ये 52.5% बढ़ी है। बट अगर हम बात करें राइस की
तो ये लगभग 52% यानी 5.8% इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम चीनी की बात करें तो ये लगभग डबल हो गया है, 91%, लगभग 10% एवरी ईयर बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान में कितने लोग चीनी और चाय पत्ती दबा के यूज करते हैं आपको बताइए। सोयाबीन जिससे हमारा न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, 25 रुपए 60 पैसे से ये 51 रुपए 70 पैसे हो गया है, 102% इंक्रीज इन 9 ईयर, 11.3% इंक्रीज। तो इसका मतलब हमारा शेक भी पिछले 9 साल में 11% एवरी ईयर बढ़ना चाहिए था। बट अभी हम बात करते हैं कि वो कितना हुआ है। ये देखिए आप, हर्बललाइफ शेक MRP 2015 में अक्टूबर में जब मैंने स्टार्ट किया तो 1788 रुपए का था, बट अभी नेक्स्ट मंथ दिस वन इज गोइंग टू फ्यू इंक्रीज 2378, 2378 रुपए का हो रहा है ये नवंबर 2023 में, और ये इंक्रीज हुआ है 3.6%। अब मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, जैसे लोग बोलते हैं कि ये महंगा है सस्ता है, पूरी दुनिया में किसी भी चीज के इन्फ्लेशन से 50% पे हर्बललाइफ रहता है, मतलब सिर्फ 50% बढ़ता है। बट अगर हम अर्न बेस की बात करें, इनकम की, अभी आपका जो रेट बढ़ा है 3.6% नेक्स्ट मंथ, बट योर इनकम इंक्रीज 4.2%, पहले से 4.2% अधिक हो रही है इनकम आपकी, यानी 37.6% इंक्रीज इन 9 ईयर ओनली। और इन्फ्लेशन अगर मार्केट की, हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग आपका डबल रेट हो रहा है। रिटेल प्रॉफिट 5.7%, MRP 4.5% बढ़ा है, और सुपरवाइजर प्राइस में सिर्फ 3.6% का इंक्रीज हो रहा है, एंड योर RO इंक्रीज 5.8%। अगर आप लोगों का चेक 1 लाख रुपए का है तो वो 1,06,000 का होने वाला है। यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ एंड क्लैप फॉर कॉर्पोरेट, दोनों हाथ से हम लोग जबरदस्त क्लैप करने वाले हैं, है ना। देखिए अभी आप, हमने आपसे ये बात किया तो इतने में ही 900 पर्सनैलिटीज इधर हो गई हैं, यानी कि लगभग 2700 से 3000 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में आने ही वाले हैं, है ना। तो अभी आपने देखा कितना जबरदस्त इनकम आपका इंक्रीज होने वाला है। अर्न बेस हमारा लगभग 5.8% इंक्रीज हो रहा है और रेट हमारा 4.5% राउंड अबाउट इंक्रीज हो रहा है। बट मैंने आज ये सारा जो डाटा आपको दिखाया, ये बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है, 9 साल में किस चीज का कितना रेट बढ़ा है। तो मैं कई बार हम हर व्यक्ति को बोलते हैं, कुछ लोग पिछले 9 साल से सेम इनकम पे रहते हैं, मैं बोलता हूं कि कम से कम 9 साल में हमें 100% इनकम तो बढ़ानी चाहिए, यानी कि हर साल का 7-8%, जितनी आपकी पिछले साल इनकम थी उसका 7-8%। जो लोग जॉब में हैं वो लोग भी अगर जॉब चेंज करते हैं तो 8-10% का हाइक मिलता है उनको, 12% का हाइक भी मिलता है ना। बट आप जिस इंडस्ट्री में, यहां आप हर महीने 10% बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा पहले महीने 22,000 का इनकम था, दूसरे महीने 38,000 का इनकम था, तीसरे महीने 52,000 का इनकम था, चौथे महीने मेरा 60,000 का था, और लगभग पांचवें महीने भी 62 के आसपास था, और सातवें महीने में मेरा 70,000 रुपए मंथली का इनकम था, और 12 महीने में मैं यहां से गेट 2500 हो गया था, और लगभग 28 महीने में मिलीनियर टीम और 60 महीने में प्रेसिडेंट टीम। तो कोई भी व्यक्ति अगर 60 की जगह 120 महीने में भी प्रेसिडेंट टीम हो, यानी 10 साल में, तो मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा नहीं है, नहीं। तो यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आप लोग पाथ पर हैं, राह पर हैं प्रेसिडेंट टीम की। और मैं आपको बता दूं, आपकी टीम में ही इसी महीने बहुत सी नई पिंस आने वाली है ना, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, 2-5 मिलीनियर टीम्स, काफी लोग नए आने वाले हैं, है ना। हम उनका सेलिब्रेट करने वाले हैं अगले सक्सेस टॉक में, जस्ट वेट। वाओ, सुसर ने हमें कितना अमेजिंग बताया है ना। आपने देखा कि हर चीज में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बट हमारे शेक में कितना कम इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो बहुत ही अमेजिंग है ये, है ना। अमेजिंग लगा या नहीं आप सबको,
कंपैरिजन है ना, हम अगर सिर्फ एक चीज को देखते रहेंगे तो हमें वो चीज पता नहीं चलता, पर जब हम उस चीज को किसी और चीज से, नॉर्मल चीजों से हमने कंपेयर किया है तो हमें पता चल रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शेक महंगा है, महंगा हो गया है, तो रियलिटी आपके सामने है ना कि वो इतना भी महंगा नहीं है, बाकी चीजों से तो बहुत ठीक है। ओके, तो उस चीज को ध्यान में रखिए और आप किसी को बताएंगे तो भी आप इजीली बता सकते हैं। यस, सो अभी हमारे साथ जो हमारे अमेजिंग गेस्ट स्पीकर हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। यस, सो अभी आप देख सकते हैं 925 लोग हो चुके हैं। ओके, सो 1000 होंगे तो जूम में और लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और अभी भी जो रह गए हैं उन्हें कॉल करके फटाफट से ज्वाइन करवा लीजिए फास्टली, बिल्कुल भी, ताकि उनके लिए सीट्स बिल्कुल बंद ना हो जाएं। ओके, सो कुछ ही सीट्स बची हैं, अदरवाइज फिर यूट्यूब लिंक एंड ऑल दैट ये सब क्रिएट करना पड़ेगा। सो फटाफट से ज्वाइन करा लीजिए, अभी मैंने भी बहुत सारे लोगों को कॉल करके अभी अभी ज्वाइन करवाया है। यस, और जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। ओके, तो देखिए अभी आप ना, आप सभी को एक काम और करना है, पार्टिसिपेंट्स में जाके चेक कीजिए, काफी सारे लोगों का यहाँ पे ऑडियो कनेक्ट नहीं है, है ना, वो शायद आपको खुद से कॉल ना करें। आप चेक कीजिए जिनको आपने इनवाइट किया है, आपके कंज्यूमर हैं, आपके कोच हैं, तो उन्हें कॉल करके उनका ऑडियो कनेक्ट कराइए, काफी सारे लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है यहाँ पर। ओके, आशा जी, मोनालिसा जी, डिंपल लोटिया जी, पिंकी शर्मा जी, तो जिनके ऑडियो कनेक्ट नहीं है उन्हें चेक कीजिए और उनसे बात करके उनका ऑडियो कनेक्ट कराइए, ताकि वो सेशन को अच्छे से सुन पाए। ये ना हो थोड़ी देर बाद वो देखेंगे कि कुछ आवाज नहीं आ रही है और उसको लीव कर दें, है ना। सो उस चीज को देखिए। एंड यस, हमारे गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं हमारे बीच बहुत ही जल्द। सो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जब स्टार्ट किया तो मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था, एंड मेरा डीएमओ मेनली सोशल मीडिया रहता था। सो मैंने सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को बिल्ड किया था, एंड अभी मैं यहाँ पर ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 25 लेवल को रिप्रेजेंट करती हूँ। सो बहुत ही अमेजिंग था, मैंने अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो किया था, एंड अभी मैं फुल टाइम कर रही हूँ। अभी मेरा ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, तो अभी मेरा काम दोनों तरीके से हो रहा है। पहले मेरा सिर्फ ऑनलाइन, मतलब 80% ऑनलाइन था, अभी 50-50 है, 50% ऑनलाइन एंड 50% ऑफलाइन। तो मैं अपने बिजनेस को दोनों तरीके से ग्रो कर रही हूँ ना। हम लोग को भी सोशल मीडिया का भी एक बार दोबारा ट्रेनिंग करेंगे ना। सो बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्या क्या मैंने और चीजें ऐड की हैं सोशल मीडिया में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना। यस, सो ओवर टू विजय सर। थैंक यू सो मच वनीषा, एक बार देखिए जबरदस्त क्लैप करेंगे हम लोग फॉर वनीषा सिंघल। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वनीषा जी का, और अमेजिंग इन्होंने सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से किया है। गेट 2500 है, सून टू बी मिलीनियर टीम। और देखिए, मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया था कि आप मुझे सुनते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है, बट आप मेरे को स्पॉन्सर ज्ञानेंद्र सर को सुनेंगे, ये आप सबकी खुशकिस्मती होने वाली है। और उससे पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं, मैं आपको 5 बातें आपको बताने वाला हूं जो मार्क्यूस साहब बोला करते थे, 5 बातें। सबसे पहले आप सबसे ज्यादा जरूरी बात को ध्यान रखिए, यू कैन राइट डाउन, लिख भी सकते हैं, हैव एब्सोल्यूट पेशेंस टू हेल्प पीपल्स। हर्बललाइफ न्यूट्रिशन में हमेशा हमें पेशेंस रखना है लोगों की मदद करने के लिए। हम कई बार लोगों की मदद नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं ये तो कैसे हैं। देखिए, आप लोग जाएंगे, अगर आप अपने देवरानी, जेठानी, कई बार सगे भाई भी यूज नहीं करते तो हम लोग उधर परेशान हो जाते हैं। नहीं परेशान होना, मेरा रियल ब्रदर भी हर्बललाइफ शेक यूज नहीं करता था, मैं 5 साल में प्रेसिडेंट टीम बन गया। हैव अ पेशेंस फॉर एब्सोल्यूटली हेल्प, बट आप उनकी हेल्प करने का पेशेंस रखिए 5 साल बाद 7 साल बाद 10 साल बाद 5-7 साल बाद उधर भी यूज होने शुरू हो गया है ना, चाहे एफ्रेश से शुरू किया, एक ना एक दिन सब यूज करेंगे अगर आप रेगुलर यूज करते रहेंगे, है ना। उसके अलावा हैव ए, अगर बात करें तो हैव ए गुड एटीट्यूड इवन देन यू हैव अ बैड टाइम। मार्क्यूस साहब कहते थे कि हमें हमेशा अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है, चाहे आपका समय बुरा चल रहा हो, क्योंकि दशा मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है। दशा कभी भी अगर हम लोग बोले मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, गुड एटीट्यूड रखना है इवन देन बैड टाइम, क्लियर। तो ये हमें ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। बट मैं कुछ जो बची हुई बातें आपको लास्ट में बताने वाला हूं,
क्योंकि अभी हमारे बीच में आने वाले हैं, आ गए हैं हमारे गेस्ट स्पीकर, है ना। बट सबसे पहले इन दो बातों के बाद आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है आज, उसे और क्लियर कर लो। यू हैव ए वेरी क्रिस्टल क्लियर वाई, आपके पास एक वाई जरूर होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। वो बोलते हैं ना, दो डेटें क्या होती हैं इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, वन इज योर बर्थडे एंड सेकंड इज योर डे, जिस दिन आप को पता चले कि आपका जन्म क्यों हुआ है, है ना। तो चलिए अभी हम बुलाने वाले हैं हमारे गेस्ट स्पीकर, मेरे को स्पॉन्सर गुरु ज्ञानेंद्र जी, उन्हें हिंदुस्तान में गुरु ज्ञानेंद्र के नाम से जानते हैं, और हम लोग एक जबरदस्त ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे और एक जबरदस्त सॉन्ग के साथ हम लोग उनका स्वागत करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। यस, आप लोग जबरदस्त क्लैप करेंगे। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम इन दिस वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीपल आर वेरी एक्साइटेड, ये इधर कई बार 1000 लोग हो जाते हैं फिर वापस भाग जाते हैं, तो ये हो भी सकते हैं, अभी अभी आप अगर किसी के रह गए हैं तो 10-20 लोग को आप बुला सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम सर। थैंक यू सो मच विजय भाई, एंड आप सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू सी एवरीवन ऑन दिस कॉल। एक बार ताली करेंगे सभी के लिए, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड विजय भाई, आपने मुझे इनवाइट किया अर्ली मॉर्निंग इस टाइम पे कॉल पर, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज आज 1000 के आसपास एसोसिएट इस कॉल पर हैं। न जाने किसकी जिंदगी इस अगले 60 मिनट के अंदर बदल सकती है कि नहीं है, और ये मेरा वायदा है कि जो अगले 60 मिनट आप मुझे सुनने वाले हो ना, ये आपकी जिंदगी के बदलने के पहले 60 मिनट हो सकते हैं। बिकॉज जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों को, अपनी कहानी से अपने इंस्पायर करना चाहूंगा, और इसके अलावा काफी सारे जो मेरे एक्सपीरियंस पिछले आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम है, दिखाना चाह रहा हूँ सबको, अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें, क्योंकि इन 60 मिनट में सर कुछ भी बोल सकते हैं और वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वो बात आपको मिलने वाली नहीं है, है ना। मैं तैयार हूँ, डायरी और पेन आप तैयार रखें अपने, एंड डायरी पर आपको सोना चाहिए, बिकॉज पता है जिंदगी बदलने के लिए बहुत सारा ज्ञान या बहुत सारे कुछ इंस्पिरेशन जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी इंस्पिरेशन जिंदगी में शुरुआत करती है एक नए काम की, है कि नहीं है, और वो नए काम की शुरुआत आपको जिंदगी में एक बड़े मकाम तक लेके जा सकती है। तो अगले 60 मिनट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम लोग ताली करेंगे सभी के लिए जो हमारे यूजर्स हैं एंड जिन्होंने अपने पर शानदार परिणाम लिए हैं, एंड ताली करेंगे सभी कोचेज के लिए जो इस कॉल पर हैं और अगले 60 मिनट अपना कैमरा ऑन करके प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं। एंड विल वेलकम ऑल द टैप टीम मेंबर्स जो कॉल पर हमारी लीडरशिप में ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर, गेट टू 500, मिलेनियम टीम मेंबर मिल्स एंड 500, एंड क्लैप टू आवर प्रेजेंट टीम मेंबर विजय सिंगल जी आल्सो, बिकॉज हम सब लोग यहाँ पर मिलकर के आज इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच। अब देखिए, ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा अपने साथ, आई वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल, बिकॉज जो कहानी होती है ना एक इंसान की, वो कहानी इंसान को जोड़ लेती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज हम उस कहानी में कहीं ना कहीं अपने आप को टटोलते हैं। अभी तो आपको देख लगा होगा ना कि क्या एकदम रेड कलर का कोट एंड व्हाइट शर्ट, क्या एकदम अंग्रेज सा लगता है ना, अंग्रेज का बच्चा लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा बन गया हर बलाइक में आकर के, इस कम्युनिटी में आकर के, तो मैं बिल्कुल आपके जैसे ही हूँ, आई एम जस्ट लाइक यू ओनली। और जब मेरी कहानी सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि इससे तो अच्छे हम बहुत आज भी हैं, है कि नहीं है भाई, जो उनका कल था ना उससे हम आज बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं है। तो आपका जो आने वाला कल है वो और बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत बड़ा आपका होने वाला है। तो क्या तैयार है इसके लिए? रेडी एवरीवन? नाइस, बढ़िया। तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं मेरठ शहर से बिलोंग करता हूं, और आप सभी का वेलकम करता हूं उस कॉल के ऊपर, और अपनी पीपीटी के माध्यम से, लेट मी शेयर माई पीपीटी, और ये देखिएगा, और यहां से अपनी कहानी मैं आपको बताऊंगा,
और ये मैं हूँ और मेरी पत्नी है इस कॉल के ऊपर, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो में, एंड मी एंड माई वाइफ। तो हम लोग कितने शानदार पर्सनैलिटी बन चुके हैं यहाँ पर, एंड जो भी बातें आपसे शेयर करूंगा अगले 60 मिनट के लिए, मेरा अनुभव है, ये मेरा तजुर्बा है, एंड ये मेरी कहानी है, और जो भी आप इसमें सुनेंगे मेरे बारे में इस कहानी के अंदर, ये सब आपके साथ भी हो सकता है। एंड इसके लिए आपको मेहनत चाहिए, इसके लिए आपको सीखना होगा, इसके लिए आपको लोगों की मदद करनी होगी, गॉट इट, और अपने अंदर खूब सारा बदलाव लेकर के आपको आना है। यदि आप अपने अंदर बदलाव करने को तैयार हो, आप जैसे भी सिंगर साहब ने कहा था ना, दिशा और दशा, ठीक है, तो दिशा इंपॉर्टेंट है, दशा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी दशा बहुत खराब थी लेकिन दिशा ठीक मिली तो आज वो कहने के अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को दशा पे ध्यान नहीं देना, दिशा पे ध्यान देना है। और यदि आपकी दिशा में अपने अंदर बदलाव किया, आपने सीखा, आपने लोगों की मदद की एंड आपने खूब सारी मेहनत की, तो वो सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। एंड अपना कैमरा आप ऑन रखें, एंड बीच में कोई वीडियोग्राफी वगैरह करना कि रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड बाद में सुन लेंगे, तो आप लाइव एक्सपीरियंस को एंजॉय करें, ठीक है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोटो वगैरह का, दैट्स नॉट ए इश्यू, बट इसलिए कोई रिकॉर्डिंग ना करें, और आप अपना कैमरा ऑन रखें, डायरी पेन आपके पास हो। आगे बढ़ने के पहले एक बार जोरदार ताली करेंगे हम सभी हमारे फाउंडर मेंबर मार्क्यूस सर के लिए, बिकॉज यदि मार्क्यूस सर नहीं होते है ना, तो देखिए क्या आज हम लोग होते यहाँ एक स्कॉल के ऊपर, आंसर्स नो। और आप सोचिएगा मार्क्यूस सर का सपना कि पूरी दुनिया में हर इंसान के पास हर्बल लाइफ शेक होगा, हर किसी के पास सेहत होगी, हर रसोई में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ये सपना मार्क्यूस सर का आज के 43 साल पहले आज पूरी दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला चुका है कि नहीं है। तो यहाँ एज ए कोच आपको कुछ लर्न करना है, जस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। मैं अपनी कहानी बाद में कहूंगा, इसके पहले आपको थोड़ा सा मार्क्यूस सर की जो कहानी है उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आपको, आपको मालूम होना चाहिए कि वाई आई नीड टू बिकम मार्क्यूस ऑफ माय नेशन, ठीक है। तो देखिए जो मार्क्यूस सर है, इनकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी एक कोई बीमारी या फिर मोटापे के कारण, दवाइयां खाने की वजह से ओवरडोज लिया, और यही हादसा मार्क्यूस के जीवन में एक बड़ी प्रेरणा बना इस बात को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने इसके पीछे काफी स्टडी किया, पता लगा कि लोगों का खान पान ठीक नहीं है, लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, इसकी वजह से लोग मोटापे और बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है। और ऐसे में इन्होंने ये पाया कि चूंकि खान पान सही नहीं है, लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो क्यों ना लोगों की मदद करने के लिए एक ऐसा खाना बनाया जाए जो लोगों के न्यूट्रिशन की आवश्यकताओं को पूरा करें, लोगों के खाने पीने की आदतें बदलें और लोगों का लाइफस्टाइल एक्टिव हो। तो इन्होंने इसके पीछे मात्र 18 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, और 23 साल की यंग एज में 1980 में इन्होंने हर्बलिफ न्यूट्रिशन नाम से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का निर्माण किया, और शुरुआत की अपनी दादी माँ से, जहां उनका पहले महीने के अंदर 8.5 किलो वजन कम हुआ। और इतने शानदार परिणाम को लेकर के आप सोचिए, इतने शानदार परिणाम को लेकर के जब इन्होंने बाकी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लोगों से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, और अपनी गाड़ी की डिग्गी से लेकर के शुरुआत किया, और एक सपना देखा कि मैं मदद करूंगा इस धरती पर हर इंसान को उसका स्वास्थ्य का गोल हासिल करने के लिए, आर्गेनिक नहीं, मतलब उस टाइम पर जब खाली एक परिणाम था इनकी दादी माँ का, शुरुआत की थी कंपनी की, और सपना क्या देखा, एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में हर रसोई में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मुख्य भोजन के रूप में लिया जाएगा, एवरी किचन इन दिस वर्ल्ड विल हैव दिस शेक वन डे। एंड आप ताली कर सकते हैं इतने बड़े मिशन के लिए, और आज पूरी दुनिया के 95 कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड आज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन करोड़ ऑफ कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं कंपनी को लिख के दे चुके हैं, और 43 इयर्स का बड़ा तजुर्बा आज पूरी दुनिया भर में, और 23 साल का तजुर्बा हिंदुस्तान में, इंडिया में एंड भारत में, कितना बड़ा तजुर्बा आज हमारे पास है। तो आज हम जिस किचन का आटा खाते हैं, जिस किचन का हम न्यूट्रिशन खाते हैं, वो 43 वर्षों से है। आप में से कितने सारे ऐसे होंगे जो अभी 40 प्लस के है ही नहीं, got it, you are under 40, और ये 43 सालों से पूरी दुनिया को सेहत देने का तजुर्बा रखती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सेफ और सुरक्षित न्यूट्रिशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट मार्क्यूस। तो क्या आप लोग अपने अंदर के छुपे मार्क्यूस को पहचान सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप भी एक मकसद के साथ यहां पर हैं? यदि आप अपनी सेहत के लिए आए हो ना, तो भी आप एक मकसद के साथ हैं, और ये मकसद मार्क्यूस साहब के मकसद से मैच करता है। क्यों? उनका क्या सपना था? उनका मकसद था इस दुनिया में हमेशा स्वस्थ रहे, और यदि आप अपना स्वास्थ्य का पर्पस लेकर के भी यहां बैठे हो, तो भी आप इस मिशन का बड़ा हिस्सा हो, आपके अंदर मार्क्यूस की आत्मा है कि नहीं।
एंड जो हमारे कोचिज है जिन्होंने मदद करने का फैसला किया लोगों की, आगे लोगों को हेल्प करें, तो आप अपने अंदर छुपे मार्क्यूज को पहचानिए, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब आपके आसपास में गांव में, आसपास के कस्बे शहरों में, हर घर में न्यूट्रिशन होगा। आर गेटिंग मी? एवरी किचन इन दिस वर्ल्ड विल हैव दिस शेक वन डे। तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रकाश पुंज हैं जो मार्क्यूज साहब के मिशन को पूरा करने के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। यस और यस? यस। और मुझे गर्व है, मुझे फक्र है इस बात का कि मैं भी इस मिशन का हिस्सा आज के 9 साल पहले बना। आई केम इन दिस कम्युनिटी 9 years back, 9 साल पहले मैं इस कम्युनिटी में आया। एंड थोड़ा अपने बारे में कुछ ब्रीफ में बातें और करूंगा आपसे, और फिर हम बढ़ेंगे आगे किस तरह से आप भी ये सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। चलिए, सो विल गो अहेड। एंड बेसिकली मैं एक सिंपल मध्यम वर्गीय किसान परिवार का रहने वाला हूँ, और पढ़ाई पूरी करने के बाद में मैंने डिफेंस सर्विसेज इंडियन नेवी को मैंने ज्वाइन किया। आई वाज इन नेवी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ ऐसे बुक्स मुझे मिली जिनको पढ़ने की वजह से मेरे अंदर का आत्मविश्वास बड़ा हुआ। बेसिकली वो किताब जो मैंने पढ़ी थी ना, वो कोई इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की किताबें नहीं थी। वो किताबें तो मैंने स्कूल में पढ़ चुका था, लेकिन जो किताबें मुझे मिली लाइब्रेरी के दौरान जब मैं ट्रेनिंग पर था, सो उन्हें कहते हैं लाइफ स्किल्स बुक्स, जिंदगी बदल देने वाली किताबें। ये किताबें उन लोगों ने लिखी होती हैं जिन्होंने अपने एक ही जन्म में जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर तय किया होता है, और वे अपने अनुभव और तजुर्बों से आम इंसान को सिखाना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कामयाबी के राह पर कैसे आ सकते हैं, और छोटी छोटी गलतियां जो लोग कर रहे होते हैं उन गलतियों से बचकर किस तरह से हम सही राह को पकड़ें और अपने जीवन में कामयाब हों। तो किताबें इस तरह लिखी होती हैं। तो जब मैंने इस तरह की पुस्तकें पढ़ी तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और आप समझ सकते हैं यदि किसी इंसान का आत्मविश्वास बढ़े तो उसके सपने बड़े होते हैं, है कि नहीं है? इंसान कभी भी सपने अपने विश्वास से बड़े नहीं देख सकता, लिख सकते हैं आप लोग। आपका जितना बड़ा विश्वास होगा ना, आप उतने ही बड़े सपने देख सकते हो। आप अपने विश्वास के परे जाकर के कभी नहीं सोच सकते, ना कभी आप सपने देख सकते हो। तो चूंकि मेरा विश्वास बढ़ रहा था, मेरे सपने बड़े हो रहे थे, और मुझे मालूम चला कि इन सपनों को पूरा करना है तो नौकरी से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए बिजनेस करना होगा। और चूंकि मैं किसान परिवार से हूं, तो उस टाइम पर मेरी सोच अलग थी। व्यापार वर्ग के लोगों लेकर के ऐसा लगता था कि झूठ कपाट बोलना पड़ेगा, बेमाना करना पड़ेगा, एंड इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं लोगों को धोखा देना पड़ेगा। एंड जब मैंने उन पुस्तकों को और पढ़ा एंड और आगे उनके बारे में समझा, तो मुझे मालूम पड़ा कि व्यापार करो या नौकरी करो, हम दोनों तरह से अपने देश और समाज की सेवा ही करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? आप कोई बिजनेस करो या कोई आप नौकरी करो, हर तरह से हम अपने देश और समाज की सेवा ही कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे में अपने विचार को बदला और मैंने फैसला किया कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा और अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मैं व्यापार करने के तरीके को अपनाऊंगा। एनालिस्ट में जॉब, अपनी जॉब मैंने छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं था कि मेरे घर पर कुछ काम सेट था, या फिर कोई बहुत जमीन थी, या फिर कुछ मैंने कारोबार सेट कर रखा था तो उसको मैं आके संभाल लूंगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैंने सिंपली अपनी जॉब को छोड़ दिया कि मैं खुद करूंगा, आई बिल्ड माई सेल्फ कॉन्स अगेन। गॉट इट? एंड देखिए कितना बड़ा रिस्क मैंने लिया। वैसे मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ कि आप जॉब छोड़े, लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी अपनी, उसके बाद जब मैं आम जीवन में आया, तो आप समझ सकते हो एक दुनिया हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, पर एक दुनिया का सामना हम जब आते ना दुनिया में तो करना पड़ता है, और वो दुनिया कुछ अलग होती है उससे जो हमारे दिमाग में होती है। ऐसा है कि नहीं है? Yes, ऐसा है। और जब मैं कुछ काम शुरू किए, मार्केटिंग के कुछ अलग अलग काम किए, तो हर एक काम में क्या हो रहा था, मैं जितने पैसे लगा रहा था उससे कम कमा रहा था। तो लगातार क्या हो रहा था, मेरे पे कर्जे हो रहे थे, उधर बच्चों की फीस नहीं जा रही है, मकान का किराया नहीं भर रहा है, कर्जे हो रहे हैं, किसी का लेन देन रहा तो वापस टाइम पे जाएगा नहीं, एंड छोटे छोटे जरूरत के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन इस बीच में मुझे किसने संभाला, इस बीच में संभाला मुझे उन पुस्तकों ने जो मैंने नेवी में ट्रेनिंग के दौरान पढ़ी थी, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं बनी, जो मेरे सपने बने, एंड जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था वो टूटने नहीं दिया, और अपनी महत्वाकांक्षा को बनाए रखा, सपने बड़े रखे हमेशा, एंड बीच में कोई जॉब को पकड़ने का इरादा नहीं रखा, कोई जॉब बीच में पकड़ लो। आर गेटिंग मी? होता ना यार, कुछ जरूरतें पूरी जाएंगी, जॉब पकड़ लो, काम नहीं हो रहा है। मैंने कोई जॉब नहीं पकड़ी, मैंने सोचा कि ज्ञानेंद्र एक बार तो छुटके आया है, और दोबारा फिर जॉब पकड़ ली ना तो इस बार नहीं बच पाएगा, है कि नहीं? तो मैंने रिस्क लिया एंड मैं खुद से बिल्ड करता गया, कर्जे करता गया, कैसे भी करके परिवार को चलाता गया, और इसी बीच में मैंने फिर एजुकेशन में काम शुरू किया। मैं पढ़ने में काफी अच्छा था एंड फिर सोचा कि उन्हें काम करते हैं
जिसमें काफी अच्छे थे उस काम को करते हैं। तो मैंने पढ़ाई का काम शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन देना एंड इस तरह से हैप्पी लिविंग एकेडमी ये ट्रेनिंग कंपनी करके मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला एंड यहाँ पर बच्चों का मेमोरी वर्कशॉप करना एंड याद शक्ति बढ़ाने की टेक्निक सिखाना, इसके साथ साथ एचएलए क्लासेस करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ये मैंने इस तरह से काम शुरू किए। और पहली बार ऐसा हुआ कि जितने पैसे मैं लगा रहा था मैं उससे अधिक पैसे कमा रहा था। मतलब इस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरी जरूरतें पूरी होना शुरू हो गई मेरे घर परिवार की, लेकिन जो लाइबिलिटीज मैंने पाल रखी थी, जो कर्जे हो रखे थे, उनका कुछ नहीं पता था कैसे पूरे होंगे। जो सपने देख करके जॉब छोड़ के आया था उनका पता नहीं पड़ता कैसे पूरे होंगे। लेकिन एजुकेशन में जब मैंने काम शुरू किया तो मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन तभी मेरी सेहत भी खराब हो रही थी। ऐसा होता ही नहीं होता है आज के टाइम में, तो जब तक इंसान थोड़ा सेट होना शुरू करता है ना, तब तक इंसान का वजन बढ़ रहा होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, कितनी समस्याएं बॉडी में आ जाती। तो ऐसा मेरे सामने वजन बढ़ने का चैलेंज था और वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरे सामने आने शुरू हो चुके थे, जैसे कि एनर्जी लो रहना, बैक पेन, जॉइंट पेन और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस खुद के बदलना जिनकी वजह से मैं अपने अंदर से कुछ अलग महसूस कर रहा था। और मुझे लग रहा था ज्ञानेंद्र अभी तो खाली जरूरतें पूरी हुई हैं और जरूरतें पूरी करने में ही अपने शेर के बाजे बज चुके हैं, ये सपने पूरे कैसे होंगे। तो ये एक अंधकार सा मेरे आंखों के सामने आ रहा था, मुझे लग रहा था ज्ञानेंद्र यार जॉब छोड़ी है सपने पूरे करने के लिए, लेकिन जरूरतें पूरे करने के चक्कर में अभी शरीर जा रहा है तो कैसे होगा। लेकिन उसी टाइम पर मेरे दोस्त और मित्र भी कहते थे मुझे, ज्ञानेंद्र वजन कम करो। डॉक्टर्स भी जब कोई समस्या लेकर डॉक्टर के पास गए तो दवाइयां देने के साथ साथ वजन कम करने की सलाह मिलती थी, ज्ञानेंद्र वजन कम करो आने वाले समय दिक्कत और बढ़ेंगी। तो सब लोग मुझे सलाह दे रहे थे मेरा वजन कम करने के लिए, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। आई एम थैंकफुल टू माय कोच, आई एम थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर जिनकी वजह से मुझे ये कम्युनिटी मिली। एंड लिटरली जब मैं मेरे कोच से मिला और उन्होंने मुझे काफी सारे परिणाम दिखाए, उन्होंने काफी सारे लोगों को बताया एंड बताया किस तरह खाने पीना ठीक करके हम लोग सेहत ठीक कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास आया, आई गेटिंग मी, मुझे उम्मीद बनी। आपको मालूम है मैं कितना उम्मीदों से भरा इंसान हूं, बताओ आपको, मैं इतना उम्मीदों से भरा इंसान हूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ के आ गया खाली कुछ पुस्तकें पढ़ के, टारगेटिंग मतलब एक बड़ा बिजनेस करेंगे। तो जब मेरे सामने बहुत सारे लोग अच्छे परिणाम शेयर कर रहे हैं एंड इसने ऐसा फायदा लिया, उसने ऐसा फायदा लिया, लोग अपनी कहानी बता रहे मीटिंग के अंदर, तो क्या ऐसे में मैं विश्वास नहीं करूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं उम्मीदों से भरा इंसान हूं। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द ग्रेट फ्यूचर। मैंने विश्वास किया और शुरुआत की मेरे कोच के साथ में, और पहले महीने के अंदर मैंने अपने बॉडी से 5 किलो वजन कम किया और 5 से 6 महीने लगे मैंने अपने बॉडी से 25 किलो वजन कम किया, 25 kg वेट लॉस। लेकिन आपकी तालियां देखकर के लग रहा है मेरे को कि बोला सर हम तो 50-50 किलो कम करके बैठे हैं हमारे बीच में लोग, एंड क्लब में इतने लोग आते हैं कोई 30 किलो 40 किलो 50 किलो, आप तो 25 किलो कम करके बैठे हो, है कि नहीं है? तो आपकी ताली से लग रहा है मेरे को कि आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है 25 किलो वजन कम करना, है कि नहीं है? तो ताली करेंगे सबके लिए जो 25 किलो है उससे ऊपर वजन कम कर चुके हैं, दैट्स नाइस। लेकिन जो मेरा परिणाम है ना वो भारी है किसी ऐसे इंसान के ऊपर भी जिसने 50 किलो वजन कम किया हो, है कि नहीं है? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं जब 94 kg का था तो मैं कैसा था, हाउ वाज मी, देखना चाहेंगे? जब मैं 94 kg का था तो मैं कैसा था, सी, एंड जब मैं 94 kg का था सो दिस वॉज माई फोटो, एंड ये लाल रंग के टाई में जो आप देख रहे हो ना, दिस रेड कलर टाई फोटो, दिस वन, दिस वॉज मी एट 94 kg वेट, ये मैं था जब मैं 94 kg का था। एंड इसके साथ साथ देखिए एंड किस तरह से मेरे चेहरे पर बहुत सारा फैट था, डबल चिन खूब सारी थी, मेरा पेट बहुत बाहर था, 42 इंच की मेरी बेल्ट होती थी, 42 इंच की, 42 इंच की बेल्ट, तो पेट तो उसके भारी होगा ना, बिकॉज छज्जे तो मकान के भारी होते हैं, यस और यस, तो मेरा पेट बहुत भार था, गॉट इट। एंड इस तरह से मैंने 12 इंच बेल्ट से कम किए और 25 किलो वजन कम करके दिस इज द अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन आई ब्रिंग इन दिस कम्युनिटी, इतना बड़ा बदलाव मैं इस कम्युनिटी में रह करके लेके आ पाया, एंड दिस वाज अमेजिंग। लेकिन अब ये फोटो देखिए, बिफोर, आफ्टर एंड नाउ, सी द ट्रांसफॉर्मेशन। यार एक इंसान बताओ को, ये जो लाल टाई वाला फोटो है ना, ये मेरा 2009 का फोटो है, 2009, मैं 2014 में हर्बलाइफ में आया अपने कोच की वजह से, लेकिन उस टाइम पर मेरे कोच ने मेरा कोई फोटो नहीं निकाला, आप समझ रहे, और मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, तब मुझे पता लगा कि मुझे भी अपना फोटो दिखाना पड़ेगा, एंड तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, गॉट इट। एंड इस तरह से
मैंने फिर एक फोटो ढूंढा जब मैं काफी ओवरवेट था ऐसे करके, लेकिन 2009 की जो फोटो थी ना, जो 2014 का जो मेरा हाल था ना, वो 9 के मुकाबले और भी ज्यादा खराब था, आई मीन टू से दैट। लेकिन तब भी 2009 का फोटो देख रहे हो आप लोग, एंड आपके बीच में आफ्टर का फोटो देख रहे हो, एंड दिस इज नाउ, ये आपका फोटो है। एक इंसान कैसे आज के 14 साल पहले के पर्सनैलिटी से आज 20 साल जवान हो सकता है अपनी उम्र से? ऐसा कैसे हो सकता है? जो रियल उम्र है उसे 20 साल जवान कैसे दिख सकता है इंसान? ये पॉसिबल है, लिख लीजिएगा। इस कम्युनिटी में, इस धरती पर खाली यही एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो आपकी पर्सनैलिटी को, जो आपकी हेल्थ को, जो आपकी लुक को, जो आपको हर तरह से आपको बदल सकती है, और आप जिंदगी भर जवान रहने का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो इन दिस कम्युनिटी। तो बताइए आप में से कितने लोग तैयार हैं अपना जीवन भर स्वस्थ रहने का फैसला करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वॉन्ट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, दिस काइंड ऑफ हेल्थ? आप समझ लीजिए यार, दुनिया में अपने पास भले ही सब कुछ हो लेकिन स्वास्थ्य ना हो तो सब कुछ जो भी है ना वो सारा कूड़ा है। लिख लो उसको, कूड़ा मतलब कूड़ा, मतलब मेरे शब्द थोड़े से टाइट हो सकते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य नहीं है और आपने सब कुछ हासिल कर लिया, तो जो सब कुछ हासिल कर लिया है ना बिना स्वास्थ्य के वो सब कूड़ा है। लेकिन अपने सपने थोड़ा कम पूरे हो, पैसे थोड़ा कम कमाते हो, गाड़ी घर मकान थोड़ा आई कैन से कम अच्छे बनाए हो, लेकिन स्वास्थ्य हो, तो यारो जो भी लेवल हासिल किया ना हम उसका आनंद ले सकते हैं। और यही वो कम्युनिटी है जो आपको ना केवल आपके सपने पूरे करा सकती है, आपको उस सपनों को एंजॉय करने वाली सेहत भी आपको दिला सकती है। तो आप सबसे पहले जितने भी कोचेज हैं इस बात को लिख लें, यदि आप एज ए कोच अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, आप इस दुनिया को रहने लायक एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर स्वस्थ लोग रहते हो, जहां पर हर कोई शेक पीता हो, तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। योर रिजल्ट शुड बी वाओ, आपका अपना परिणाम ऐसा होना चाहिए कि दैट शुड बी, मतलब कोई देखे ना आपको 4-6 महीने के बाद में तो एक बार को वाओ निकलना चाहिए मुझसे उसके, इट शुड क्रिएट वाओ रिजल्ट। आप तैयार हो उसके लिए? जो लोग आइडल मोटिवेट पे आ चुके हैं, जिनका वजन आइडली आ चुका है, उसके बावजूद क्या आपकी स्किन और अच्छी हो सकती है? आंसर यस। क्या आपका एनर्जी लेवल और अच्छा हो सकता है? आंसर यस। क्या आपकी हेल्थ और बेटर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ आपके ऑर्गेन्स की जो हेल्थ है उसको लेकर के? आंसर यस। हमारी बॉडी में काफी सारे हेल्थ इश्यू होते हैं आइडल बॉडी वेट पाने के बावजूद भी, क्या हम उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं? आंसर यस। तो मतलब लिख लीजिएगा, अपने शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को देने का कोई अंतिम समय सीमा नहीं है। हेलो, देयर इज नो लास्ट डेट। वैसे कि मतलब पूछने वाला सर कब तक लेना पड़ेगा, शुरुआत में यही कहना पड़ता है कि जब तक वजन कम नहीं हो, जब तक वजन बढ़े नहीं, बस तब तक लेना है। टारगेटिंग नहीं, अपने खान पान को खाली तब तक ठीक रखना है जब तक आप अपने वेट पर नहीं आ जाते हो। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि आपको जिंदगी भर अपने आपको फिट रखने के लिए आपको लाइफ टाइम अपने खाने पीने को ठीक करना होगा, आपको सही आदतों को अपनाना होगा, बिकॉज इट्स नॉट ए परमानेंट आई कैन से गोल, ये तो लाइफ टाइम गोल है, इट्स लाइफ टाइम गोल। तो अपने स्वास्थ्य पर काम करें सबसे पहले, एंड ना केवल आप खुद को भरपूर न्यूट्रिशन दें, इसके अलावा जिम्मेदारी लें अपने पूरे परिवार को भरपूर न्यूट्रिशन का पैकेज देने की। आप कहेंगे सर बजट कहां से आएगा? यार चलो बजट बाद में आ जाएगा, पहले सोच तो लेके आओ। अच्छा सुनिए, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब पहले आया सोच पहले आई? आर्गेटिंग नहीं, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो मेरा सवाल यह है कि बल्ब पहले आया या सोच पहले आई? सोच पहले आई, आर्गेटिंग नहीं। और 10,000 बार फेल होने के बावजूद जब मीडिया वालों ने पूछा एडिसन से, एडिसन तुम पागल हो, तुम अपना समय पैसा बर्बाद कर रहे हो, 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं, अगड़िंग नहीं, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी तक मैं वो तरीके ढूंढ पाया हूं 10,000 जिनसे प्रकाश पैदा नहीं हो सकता है, अब मैं वो तरीका ढूंढने जा रहा हूं जिससे प्रकाश पैदा हो सकता है, अगड़िंग नहीं। रेड ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो बताइए हवाई जहाज पहले आया कि उसका विचार पहले आया? आज फंसे ना, यस। तो क्या करना है अपने को? अपने पूरे फैमिली को भरपूर न्यूट्रिशन देने का आज बजट हो सकता नहीं हो, बिकॉज हम सभी सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे बेस ही था, गॉट माय पॉइंट?
लेकिन इवेंट मीटिंग ट्रेनिंग में विचार आया कि एक दिन मैं भी सारा न्यूट्रिशन खाऊंगा और मेरी पूरी फैमिली को सारा न्यूट्रिशन खिलाऊंगा, और क्या हुआ, वही जो सोचा था। तो मतलब आपको अपने खुद का और अपने पूरे परिवार का आज एक गोल बना लो, एक गोल बना सब लोग कि मैं अपने पूरे परिवार को अच्छी सेहत देने के लिए भरपूर न्यूट्रिशन, सही भोजन और सही एजुकेशन को दिलाने के लिए मैं पुरजोर काम करूंगा। आई लर्न मोर एंड मोर, आई वर्क मोर एंड मोर, एंड आई कैसे मतलब उतना काम करूंगा कि एक दिन मुझे न्यूट्रिशन सारा भी खाऊंगा ना, मेरे परिवार खाएगा ना, तो लगेगा फ्री में खा रहे हूं। आर गेटिंग मी? तो क्या भी गोल ले सकते हैं? कैन टेक दिस गोल? सारा न्यूट्रिशन सारी फैमिली खाएगी एंड लगेगा कि फ्री में खा रहे हैं। और यहीं से आपको इस कम्युनिटी को एक्सपेंड करने की बड़ी शुरुआत होगी। यदि आप खाली अपने परिणाम को लेकर के मार्केट में जा रहे हो तो छोटी शुरुआत है, लेकिन आप अपने पूरे फैमिली के रिजल्ट को लेकर मार्केट में जाते हो तो एक बड़ी शुरुआत आपकी होगी। गॉट इट? एंड जब मुझे परिणाम मिला तो मुझे लोग पूछ रहे थे, लोग मुझे कोई बीमार बता रहा था, कोई मुझे परेशान बता रहा था, कोई घर में झगड़े हो रहे हैं कैसा बोल रहा था, सो ये सब चल रहा था, लेकिन मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। और ऐसे में मेरे कोच बार बार कहते थे ट्रेनिंग चलो, ट्रेनिंग चलो। मैं कहता था मेरा ट्यूशन चलता है और मैं ट्रेनिंग जाया नहीं करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक दो दिन का प्रोग्राम था लुधियाना में वेलनेस कोच एकेडमी, तो मेरे कोच बार बार कह ही रहे थे बोला ट्रेनिंग चलो, और जब उन्होंने कहा कि एक दो दिन का प्रोग्राम है लुधियाना शहर में है एंड बहुत बड़ी इवेंट है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर मैं तैयार हुआ कि चलो चलते हैं ट्रेनिंग में और देखते हैं कि क्या होता है वहां पर जाकर के। और जब मैं दो दिन के इवेंट वेलनेस कोच एकेडमी गया तो सच मानिए मेरी जिंदगी की बदलने की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि यहां जो मैंने स्टेज पर स्पीकर्स को सुना, जो स्टेज पर मैंने सफल कहानियां सुनी, जो काम करने के तरीके तजुर्बे मैंने वहां पर सुने, उसकी वजह से मेरा विश्वास बढ़ा। और विश्वास बढ़ा तो मैंने फैसला क्या किया, ये तो आसान है, इट इज इजी, जिस तरह मुझे सेहत चाहिए इस तरह सभी को सेहत चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? बताइए क्या धरती पर खाली आप अकेले हो जिसको सेहत चाहिए? आंसर नो, इस धरती पर हर इंसान को सेहत चाहिए। तो इस इवेंट में जाकर के मुझे मालूम पड़ा ज्ञानेंद्र इस दुनिया को सेहत यदि तू नहीं देगा तो कोई और देगा, तेरे आसपास के लोग, समाज के लोग, उनको न्यूट्रिशन के बारे में तू नहीं समझाएगा तो कोई और समझाएगा, ऐसा है कि नहीं? हेलो, ऐसा है? तो मैंने सोचा ज्ञानेंद्र क्यों नहीं काम करूं, पार्ट टाइम में शुरुआत करता हूं पार्ट टाइम में, और मैंने 15,000 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में अर्न करने के लिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी में मैंने लोगों की मदद करने का फैसला किया। और मैंने सोचा ज्ञानेंद्र मेरा सुबह का टाइम खाली था, मॉर्निंग का, इवनिंग में ट्यूशन थे, मैं कहीं टीचर नहीं था, मॉर्निंग टाइम खाली था, कि मॉर्निंग के टाइम में जो लोग मुझे पूछ रहे हैं, मुझसे उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं, कोई बीमार बता रहा है, कोई परेशान बता रहा है, क्यों नहीं काम करूं मैं उन लोगों को इस न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छी सेहत के बारे में सिखाना शुरू करता हूं। और वहां दो दिन के उस इवेंट की वजह से बहुत सारा कॉन्फिडेंस मैं लेकर के आया, बहुत सारी स्किल्स न्यू मैं लर्न करके आया, बात करने का तरीका, लोगों को कैसे कन्विंस करें उसका तरीका, एंड बहुत सारी चीज मैं लेकर के आया। और मैंने मात्र एक महीने के अंदर 70-72 लोगों को प्रेजेंटेशन दी अबाउट गुड न्यूट्रिशन, अबाउट गुड हेल्थ। 100 से अधिक लोगों में लिस्ट बनाई, लिखेगा आप लोग, मेक ए लिस्ट ऑफ ए पीपल, 100 से अधिक लोगों की लिस्ट मैंने बनाई। और उस टाइम पर काम करने के तरीके अलग थे, आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले 1-on-1 प्रेजेंटेशन करते थे, आजकल तो क्लब में बैठ करके प्रेजेंटेशन अपने आप हो जाती है, ऐसा है कि नहीं? इट्स वेरी इजी टुडे, पहले फिजिकल लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ता था, लोगों को बुलाना पड़ता था, आजकल वर्चुअली जूम पर बैठ करके लोग कितना शानदार तरीके से ना केवल इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं, लोग क्लब अटेंड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? कितना जबरदस्त है। तो मैंने 100 से अधिक लोगों की लिस्ट मैंने बनाई और उसमें 70-72 लोगों को एक महीने के अंदर मैं अप्रोच कर पाया, वो मेरे पास आए या मैं उनके पास गया। और एक ही महीने के अंदर मैंने 21-22 लोगों को न्यूट्रिशन दे करके मैंने शुरुआत करवाई एंड मुझे कैश में कुछ इनकम हुई। 20-21 ग्राहक मुझे जब बने तो मेरे विश्वास हाई लेवल पर था, बिकॉज ना केवल इनकम हो रही थी, साथ साथ में मुझे जो मैं काम कर रहा था उसमें सफलता मिलने की वजह से लग रहा था कि ये काम वाकई जबरदस्त है, लोग सामने से मतलब इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? और सभी के ऊपर शानदार परिणाम आ रहे थे एंड ऑल ओवर एक्साइटेड, इसको वजन कम करना था वजन कम हो रहा था, वजन बढ़ाना था वजन बढ़ रहा था, हाई एनर्जी लेवल, शानदार परिणाम लोग मिल रहे थे, अच्छी स्किन आ रही थी। तो अगले महीने लोगों ने बोला कि जी हमें ये पैकेज फिर दोबारा दो। मैंने क्या बोला, अब हम आपको नहीं दे सकते, वी कांट गिव यू। क्यों? उन्होंने बोला क्यों? बोला जी हम लोग कोच है, सेल्समैन नहीं है, वी आर ए कोच, लिख लो, हमें टोकरी भर के डब्बे ऐसे बेचने, डब्बे लो डब्बे लो, नो,
वी आर जस्ट ए कोच, हम शुरू करवा सकते हैं किसी को, बट उसे कंटिन्यू करना है, अपनी सेहत का जो गोल लिया है उसे पूरा करना है, तो उसे न्यूट्रिशन कहां से लेना पड़ता है? फ्रॉम कंपनी। प्रेफर कस्टमर आईडी भरो, अपना न्यूट्रिशन लो और क्लब में लगातार बने रहो, दैट्स इट। अगेटिंग नहीं। और इस तरह से मैंने दोबारा फिर से न्यूट्रिशन का ऑर्डर करवाया, और ऐसा करने से मुझे जो चेक मेरा आया पहले महीने का, इट वॉज 24,000 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। मेरा पहले महीने का ही चेक 24,000 का था, इट वॉज अमेजिंग। और मैं आया था 15 से 20,000 कमाने के लिए, विद इन 1 or 2 month के बीच में ही जो मेरी कैश और चेक इनकम थी ना, वो इनकम मेरे ट्यूशन की इनकम के बराबर थी। And it was exciting. मैं आया था मात्र 15-20,000 कमाने के लिए, लेकिन पहले दूसरे महीने के अंदर ही मुझे 40-50,000 महीने की इनकम आना यहाँ से शुरू हो गई, और मैं सीरियस हुआ सीखने के लिए। Now, right on, sir. इस वक्त समझना, आप यदि ये न्यूट्रिशन एक सही डाइट प्लान के साथ दोगे अपने कोच की निगरानी में, तो ये आपको अच्छी सेहत तक पहुंचाएगा। लेकिन यदि आप डाइट प्लान फॉलो करने के साथ साथ एज ए कोच ट्रेनिंग प्लान फॉलो करो, लिख लीजिए, नहीं शब्द आपके लिए, डाइट प्लान वर्सेस ट्रेनिंग प्लान, आई गेटिंग मी, डाइट प्लान वर्सेस ट्रेनिंग प्लान। आप डाइट प्लान एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ यदि अपने कोच की निगरानी में क्लब में रहते हुए आप ठीक से फॉलो करते हो, तो आपका सेहत का वाव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन यदि आप अपने एक्टिव कोच के साथ हर्बलाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप सिस्टम में रहकर आप नया सीखने को तैयार हो, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने को तैयार हो, समस्या आने के बावजूद भी आप अपने को पॉजिटिव रखने को तैयार हो, भले कुछ भी हो हम खुद को ठीक रखेंगे, यस और यस, ऐसा एटीट्यूड लेकर के यदि आप करने को तैयार हो, आप जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हो, तो सच मानिए आपको कामयाब होने से इस कम्युनिटी में कोई नहीं रोक पाएगा। डाइट प्लान विल गिव यू हेल्थ रिजल्ट, बट ट्रेनिंग प्लान विल गिव यू सक्सेस इन दिस कम्युनिटी। और ये बात मुझे लुधियाना वेलनेस कोच एकेडमी में, जो मेरा पहला इवेंट था, वहां पर हर एक सफल इंसान कह रहा था स्टेज पर से अपने अलग अलग शब्दों में, यदि आप भी ये सफलता चाहते हो, यदि आप भी मंच पर आकर के सम्मान पाना चाहते हो, यदि आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो ट्रेनिंगें मिस नहीं करना है। जिमरों सामने कहा है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाना होगा, पर हम इसका उल्टा करते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने को तैयार है, बट हम खुद को बदलने को तैयार नहीं है। ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स क्या करती हैं? ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स विल हेल्प यू टू चेंज योरसेल्फ। आप कहां गलती कर रहे हो, आपको कहां सुधार करना है, आपने क्या नया सीखना है, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, वो विजन कहां से मिलता है इवेंट से? क्या कोई दुकान शोरूम ऐसा है बाजार में जहां जाकर के आप अपने भविष्य का एक विजन खरीद ला सकते हो? कैन यू बाय अ विजन आउटसाइड द मार्केट? आंसर नो। बट ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाने से यू बाय अ विजन, आपको मालूम पड़ता है आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। और जो मुझे ऐसा सब सफलता मिल रही थी ना, मेरे कस्टमर बन रहे थे, मुझे चेक आ रहे थे, मुझे कैश इनकम आ रही थी, एंड विद इन 1 or 2 months मुझे मालूम पड़ा दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, और मुझे इसे सीखना होगा, मुझे लर्न करना होगा। और उसके बाद मैंने कसम खाई कि आज के बाद कोई भी इवेंट मीटिंग ट्रेनिंग रही उसको मैं मिस नहीं करूंगा। मैं दिल से बोल रहा हूं, जो पहली वेलनेस कोच एकेडमी है इन लुधियाना, खाली उस इवेंट में मुझे मेरे कोच को लेके जाना पड़ा, उस इवेंट का टिकट मेरे कोच को मेरे लिए बुक कराना पड़ा, पैसे मैंने दिए लेकिन उनको टिकट बुक कराना पड़ा। उसके बाद मैं कभी किसी इवेंट के लिए ना तो मेरे कोच को मुझे बोलना पड़ा कि फला इवेंट आई है आप इवेंट में चलो, ना मेरे टिकट बुक कराने के लिए मुझे बोलना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आपका कोच आपको लेकर के आ गया इस कम्युनिटी में, ये आपका सौभाग्य है, लेकिन अब यहां जो बनोगे ना वो आपकी मेहनत है। आई गेटिंग मी? सौभाग्य से हम इस कम्युनिटी को पा सकते हैं, ऐसे लोगों में आ सकते हैं,
ये मौका मिल सकता है सौभाग्य से, लेकिन इसमें जो करना है, जो बनना है, उसके लिए दिन रात मेहनत आपने खुद करनी है, आपको सीखना होगा। कितनी बड़े बड़े इवेंट्स यू नो स्पेक्टेकुलर, कितनी बड़ी इवेंट होने जा रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी नेक्स्ट ईयर, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चल रही है फ्रॉम जून टू दिसंबर। सबको मालूम है क्वालिफिकेशन, अभी टिकट बुक हो रहे हैं दिल्ली के लिए, एंड इवेंट इज गोइंग टू सॉल्ट आउट। आप सच मानिए, ये देखिए आपको दिखाता हूं, मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, सीखने के लिए मैं कितना उतावला बना। फिर आई वेंट टू बैंगलोर, मैं बैंगलोर गया एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए, इट वॉज अमेजिंग। 3 दिन की इवेंट थी, कोई इवेंट नहीं हो सकती मेरे बिना, ये एटीट्यूड लेकर के मैंने सीखना शुरू किया। आज विजय सिंघल जी हैं, आज आशुतोष मिश्रा जी हैं, क्या लगता है आपको ये लोग इस लेवल पर ऐसे पहुंच गए? नो, विजय भाई को शायद मुझे उम्मीद है कभी नहीं बोलना पड़ेगा सर जी को अपने टिकट बुक करो, खाली एक इवेंट शुरू करता उसके बाद में। यारो सपने हमारे हैं, हमारे नहीं, सपने मेरे हैं, तो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। और फिर क्या होता है, सपने हमारे हैं तो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, इस हमें में मैं खो जाता हूं। तो क्या बोलना है आपको, सपने मेरे हैं, जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। और इसके बाद में देखिए, विद इन 6 मंथ मेरी चेक इनकम वॉज मोर देन 1 लाख रुपीज इन जस्ट 1 मंथ। विद इन 6 मंथ पहला चेक जनवरी 2015 आने वाला, एक्चुअली पता नहीं क्या होने वाला है। So, जनवरी 15 का पहला चेक एंड जुलाई 15 में हाईएस्ट चेक 1 लाख प्लस का, बीच में चेक आए। So, क्यों बोल रहा हूं आपको ये सब क्यों हुआ, लिखिएगा। सबसे पहला, मेरा सेहत के ऊपर फोकस बहुत क्लियर था। मैं मात्र 6 महीने के अंदर 1 लाख प्लस की इनकम पे कैसे पहुंचा, हाउ इज इट पॉसिबल? नंबर वन, मेरा सेहत पर फोकस बहुत क्लियर था। नंबर टू, ट्रेनिंग्स को लेकर के मेरा एकदम बिल्कुल विजन क्लियर था, ट्रेनिंग्स में रहना है। नंबर थ्री, लोगों की मदद करने के लिए लोगों का अप्रोच करना, उनके पीछे भागना, उनको बुलाना, आना जाना, एवरीथिंग दैट वाज क्लियर डे एंड नाइट। और बस यही करने से लगातार कस्टमर बनते गए, कोचिज की संख्या बढ़ती गई। अब ध्यान दीजिए, आपको कस्टमर और कोच में डिफरेंस पता होना चाहिए, हु इज कस्टमर एंड हु इज कोच, गॉट इट? लेकिन ऐसे में हमारे पास कस्टमर बहुत सारे होने चाहिए, नो डाउट, और बनाने हैं, लेकिन हमें ध्यान रहे कस्टमर्स होने के साथ साथ हमारे पास कोचिज भी तो हो। बिकॉज आज यदि आप देखें अपने गेटी मेंबर को, अपने मिलेनियरी मेंबर्स को, मिल सेन फॉर डबल जीरो, एंड आप देखिए विजय भाई को, क्या लगता है आपको, क्या ये, क्या खाली इनके पास अपने ग्राहक है, क्या और ग्राहक इनके टीम में नहीं है? हैं, जितने ग्राहक आए हैं वो कोचिज के माध्यम से आए हैं। अपने खुद के 20-30-50 ग्राहक होंगे, लेकिन ऐसे कितने कोचिज है, थाउजेंड्स ऑफ कोचिज, जिनके पास अपने 20-30-50 ग्राहक है, और इसी वजह से इतनी बड़ी इनकम बन रहे। तो हमें लेवरेज बेनिफिट लेने के लिए, लेवरेज मतलब केवल अपनी मेहनत, कुशलता और समय से नहीं, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और लोगों के साथ मिलकर के उनको सिखाना है, और उनकी कुशलता, उनके मेहनत, उनके समय की वजह से भी, मार्केटिंग प्लान की वजह से यहां पर इनकम आती है। तो लिख लीजिएगा, केवल कस्टमर नहीं, कस्टमर के साथ साथ कोच बनाने पर भी फोकस करना है। अब कोच आते कहां से, कोच हमारे कस्टमर्स में से ही आते हैं, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो कोच कैसे बनता है, लिखिएगा। यदि आप अपने कस्टमर्स को जो 1 महीना आपके साथ न्यूट्रिशन यूज करते हुए परिणाम ले रहे हैं, यदि आप उन्हें कोई सक्सेस स्टोरी सुनवाते हैं इस कम्युनिटी में किसी कोच की, तो फिर आपका जो कस्टमर है उसके सपने वहां से बनना शुरू होते हैं। और कुछ कस्टमर्स कोच बनने का फैसला ले लेते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो खाली कस्टमर रहने का फैसला करते हैं। हमें हर किसी के फैसले का सम्मान करना है, लेकिन आपको अपने कस्टमर्स को कोच में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्निक है, वो है अपने संतुष्ट ग्राहकों को अपने कोचेज की सक्सेस स्टोरी से अवगत कराना। जैसे एग्जांपल के लिए खुद देखो, एक जो ग्राहक बनता है ना, वो कब बनता है, वो किसी एक ऐसे दूसरे इंसान की जिसने वजन कम किया हो उसके परिणाम को देख करके वो ग्राहक बनने का फैसला करता है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन क्या सब ग्राहक बन जाते हैं? आंसर नो, सब तो नहीं बनते। भाई देखिए, वजन सबने कम करना है, फिट सबने रहना है, ओवरवेट लोग हैं, लेकिन जब हम अपने ग्राहकों की कहानी सुनाते हैं उनके सामने,
अपने ग्राहकों के एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं उनके सामने, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे भी ग्राहक बनना है कि नहीं। तो ग्राहक की कहानी को सुन करके ग्राहक बन जाते हैं, पर सब नहीं बनते, हाँ कुछ बन जाते हैं। उसी तरह से सफल कोचेज की कहानी सुनने से जो हमारे ग्राहक हैं उनमें से कुछ कोच बन जाते हैं और कुछ ग्राहक रह जाते हैं, तो परेशानी कहां है। लेकिन पेच ये है कि हम अपने ग्राहकों को जो हमारे साथ एक महीना लगातार रह चुके हैं, डाइट प्लान न्यूट्रिशन फॉलो करते हुए परिणाम ले रहे हैं, उन्हें इस मौके से अवगत कराने के लिए अपने कोचेज की सफल कहानी सुनानी चाहिए और वहीं से कोच बनने का फैसला लोग कर लेते हैं। लिखिएगा, आपकी तरक्की आपके टीम में, नो टीम में, आपके फर्स्ट लाइन में कितने कोचेज हैं उसके अनुपात में आएगी। आपकी सक्सेस, आपकी तरक्की इस कम्युनिटी में आपकी फर्स्ट लाइन में कितने कोचेज हैं उसके हिसाब से आएगी। यदि आपके फर्स्ट लाइन में दो कोचेज हैं तो दो के हिसाब से तरक्की मिलेगी, दस है तो दस के हिसाब से मिलेगी, दैट्स इट। तो क्या करना है आपको, आपके फर्स्ट लाइन में जिनको आप लेकर के आए हो, जितने ज्यादा कोचेज आपके पास होंगे, जितने ज्यादा कोचेज आपके एक्टिव होंगे, ट्रेनिंग मीटिंग में होंगे, उसके हिसाब से आपको तरक्की मिलेगी। और ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि लगातार लोगों से मिल रहे थे, लगातार लोगों से बातें कर रहे थे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में थे, लगातार लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, तो मेरी फर्स्ट लाइन बिल्ड हो रही थी, इसके साथ साथ मेरे डेस्क बिल्ड हो रही थी। लिखिएगा, फर्स्ट लाइन बिल्ड होती है आपकी वजह से और डेस्क बिल्ड होती है ट्रेनिंग से मीटिंग की वजह से। फर्स्ट लाइन बिल्ड होती है आपकी वजह से और उनके नीचे जो काम खड़ा होता है वो बिल्ड होता है क्लब मीटिंग ट्रेनिंग की वजह से। तो क्या करना है आपको, जितने भी कस्टमर्स हैं सभी क्लब में होने चाहिए, जितने भी कोचेज हैं ऑल शुड बी इन द क्लब। जो मॉर्निंग क्लब चलता है वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, गॉट इट, वी शुड बी इन द क्लब। वो सुबह का जो एक घंटा है ना, वो मेन काम है आपके लिए और आपके ग्राहकों और कोचेज के लिए। यू बी इन द क्लब एंड कीप योर कस्टमर्स एंड कोचेज इन द क्लब। अपने ग्राहकों को, अपने कोचेज को क्लब में रखो। और दूसरा, जितने भी एसोसिएट्स रहते कोचेज हैं, दे ऑल शुड बी इन द इवेंट्स लाइक एसोसिएट ट्रेनिंग, लाइक सपोज वर्कशॉप, लाइक वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग, गॉट इट, लाइक वेलनेस कोच एकेडमीज, स्पेक्टेकुलर एक्स्ट्रावेगेंजा। तो आपके एसोसिएट्स को, आपके सुपरवाइजर्स को इवेंट में रखो। एंड स्पेक्टेकुलर जाने को मौका मिला, जिन जगहों पर, जिन इवेंट्स में बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी, मात्र 4 साल के अंदर आई वॉज ऑन द स्टेज इन दिल्ली त्यागराज स्टेडियम इन 2019 स्पेक्टेकुलर। आई वॉज होस्ट ऑफ द डे इन स्पेक्टेकुलर। मेरे पास कंपनी से कॉल आया, ज्ञानेंद्र, यू क्वालिफाइड फॉर द होस्ट ऑफ द डे इन स्पेक्टेकुलर। और इसी इवेंट के अंदर मुझे ब्रांड न्यू प्रेजेंटिंग मेंबर बनने का सम्मान मिला, मात्र 4 साल के अंदर, विद इन 4 ईयर्स, इट वॉज अमेजिंग। तो फिर बोलूंगा, वो 4 साल जो लगे ना, 4 साल की मेहनत, 4 साल का लगातार सीखना, 4 साल लगातार लोगों की मदद करना, 4 साल लगातार लोगों को इवेंट मीटिंग ट्रेनिंग में रखना, 4 साल लगातार बर्थडे, शादी किसी की, गॉट इट, शादी की सालगिरह किसी की, नो वे, गॉट इट। वो 4 साल बिना इधर उधर देखे एक फोकस बनाया अपने टीम को बिल्ड करने का, अपने लोगों को सिखाने का, इस कम्युनिटी में अपने आप को प्रूव करने का। सर बताऊं, उन 4 सालों में तो, उन 4 ईयर्स में तो यारो किसी के बर्थडे सालगिरह तो किया, मैं तो अपने बच्चों के बर्थडे, अपने वाइफ के बर्थडे, अपने खुद के बर्थडे, अपने खुद की शादी की सालगिरह। यार जो इंसान अपने खुद की शादी में घर में नहीं है, जो अपने बच्चों के बर्थडे में नहीं है, वो किसी और के बर्थडे में या किसी और की सालगिरह में हो सकता है क्या? आंसर नो। 4 साल का कठिन परिश्रम मुझे ले पहुंचा टॉप 100 इन इंडिया। जब शुरुआत किया इन 2014, आई वॉज अमंग लैक्स ऑफ कस्टमर्स इन इंडिया, लाखों ग्राहक इंडिया में थे इन 2014 स्टार्टेड, बट इन 2019 स्टार्टिंग में I was among 100, मैं मात्र 100 में से एक था इंडिया के अंदर। तो यदि आपको भी बनना है, यदि आपको भी निकल के आगे आना है, तो इसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन, कंसिस्टेंट लर्निंग, कंसिस्टेंट फोकस ऑन हेल्थ, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग,
एंड कीप योर ऑल एसोसिएट्स एंड कस्टमर इनटू क्लब एंड ऑल द इवेंट्स. ये सीक्रेट. और हमेशा गोल बना के काम किया एवरी मंथ. अब सुनिए, ये जो मंथ है अक्टूबर का, फिर नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तो कुछ लोग लिए क्या है, बोला अब ये तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, अब तो ये साल गया, अब तो अगले साल के गोल बनाएंगे. ये क्या है भाई? अभी ये साल गया नहीं है, यदि आप बोलो कि इस साल में दो महीने बचे हैं, मतलब गया नहीं, इस साल में दो महीने नहीं बचे हैं, अभी इस साल में 65 डेज बचे हैं. 65 डेज, आर गेटिंग मी? एवरी सिंगल डे. करने वाला ना, करने वाला जितने एसोसिएट्स यहां पर है, गॉट इट, ये जो लास्ट के 65 डेज है ना, यू ऑल कैन गो टू सुपरवाइजर लेवल. कैसे बोल सकते हो साल गया? नो, जितने सुपरवाइजर्स हैं, यू ऑल कैन गो अप टू एक्टिव सुपरवाइजर लेवल. अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अक्टूबर में 2500 मोर, नवंबर में, दिसंबर में यू आर एक्टिव सुपरवाइजर. आप में से कुछ ऐसे एक्टिव वर्ल्टी मेंबर्स होंगे जो अभी इन तीन महीनों में यू कैन रीच टू गेट टीम मेंबर लेवल. कहां गया साल? अभी नहीं गया साल भाई, अभी तो नहीं है. ये ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म से निकली नहीं है. अब आपको साल को महीनों में नहीं, आपको दिनों में गिनना है. लास्ट 65 डेज, दैट्स इट. अगले 65 डेज में लगातार कंसिस्टेंट एक्शन से आप मुझे बताओ, क्या आपने फर्स्ट लाइन में 10 नए ग्राहक बना सकते हो? आंसर यस. 10 न्यू कस्टमर्स लास्ट 65 डेज. क्या आप अगले 65 डेज में अपने फर्स्ट लाइन में क्या आप 10 न्यू कोच लेके आ सकते हो? आंसर यस. अगले 65 डेज में आप सभी क्या स्पेक्टेकुलर क्वालिफाई कर सकते हो? आंसर यस. एंड इफ यू क्वालिफाई स्पेक्टेकुलर इन दिस लास्ट 65 डेज और अपने टिकट बुक करके यदि 2024 फरवरी में आप स्पेक्टेकुलर में बैठ जाओ दो दिन के लिए, तो आपको मालूम है 2024 कैन बी द लाइफ चेंजिंग ईयर ऑफ योर लाइफ. 2024 आपके जिंदगी बदलने वाला वर्ष हो सकता है. बिकॉज वहां जो आप सीख के आओगे ना, वहां जो माहौल देख करके आओगे, वहां जो बड़ी पिक्चर आपके आंखों के सामने चलेगी. आई गेटिंग मी? जरो खाली एक आपका डिसीजन, खाली एक आपका एक्शन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है. क्या आप अभी एक डिसीजन लेने को तैयार हो? दिस ईयर 10 न्यू कस्टमर इन माय फर्स्ट लाइन, 10 न्यू कोचेस इन माय फर्स्ट लाइन. गॉट इट? टू क्वालिफाई स्पेक्टेकुलर एंड टू अटेंड स्पेक्टेकुलर, कैन यू टेक ए गोल? हेलो, कैन यू बुक ए टिकट साइट नाउ? ये कहानी आपके लिए एक अच्छी कहानी नहीं, ये कहानी आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली कहानी होनी चाहिए. And you are the director of your own story. अपनी कहानी को मैंने खुद लिखा है. विजय सिंगल जी कहानी को उन्होंने खुद लिखा है. Yes. और अपनी कहानी को आप खुद लिखोगे. What is Herbalife? You know, Herbalife is all about your story. यदि आप अपनी कहानी या नहीं बना पाए तो फिर Herbalife आपके लिए नहीं है. और ये आपने अपनी कहानी बनाने का फैसला लेकर के कि अपनी सफल कहानी बनाऊंगा, इसके लिए काम करूंगा, तो Herbalife आपके लिए है. वी ऑल नीड टू क्रिएट मोर एंड मोर स्टोरीज. अपनी कहानी बनाओ, अपने कुछ लोगों कहानी बनाओ और अपने फर्स्ट लाइन में अधिक से अधिक लोगों को उनकी कहानी बनाने में उनकी हेल्प करो. एंड दैट्स इट. ग्राहक कहां से आते हैं? हेलो, ग्राहक कहां से आते हैं? ग्राहक आते हैं प्रेजेंटेशन से. और प्रेजेंटेशन कहां से होती है? क्लब इनविटेशन से. और इनविटेशन कैसे होते हैं? एक इरादे के साथ, हर दिन 3 करूंगा, हर दिन 5 करूंगा. कुछ लोग हर दिन उन्हीं 3 को कॉल करते रहते हैं. नो, हर दिन नए 3 से 5 को आपको मिलना है, कॉल करना है, बातचीत करनी है. सो योर इन्विटेशन will lead to club presentation or club presentation will lead to making new customers. That's it.
तो बेसिक काम क्या है? बेसिक है इनविटेशन। आज आपके स्टेटस पे जो आप स्टोरी लगाते हो ना, वो इनविटेशन है हम लोगों के लिए जो देख रहे हैं आपको। ऐसा है कि नहीं? आपकी क्लब एक्टिविटीज, परिणाम, बिफोर रिजल्ट्स, अब डालो स्टेटस के ऊपर, वो उन लोगों के लिए जो आपको वॉच कर रहे हैं स्टेटस पर, वो इनडायरेक्ट इन्विटेशन है उनके लिए। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप। व्हाट इज फॉलो अप? जो लोग आपने इनवाइट किए, क्या सभी आ जाते हैं क्लब में? नो, सब तो नहीं आते ना। जो नहीं आते हैं उनका फॉलो अप जरूरी है। वो कब आ रहा है? आपके स्टेटस पे, आपका स्टेटस अपडेट करो, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी। जो इनविटेशन के बाद प्रेजेंटेशन पे आ गए, क्या सब ग्राहक बन जाते हैं? आंसर नो। तो जो ग्राहक नहीं बने उनका फॉलो अप कहां हो रहा है? स्टेटस पे। सोशल मीडिया आज इतना आसान तरीका है लोगों को इनवाइट करने का, लोगों को फॉलो अप करने का। उनको ही, जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते नहीं हो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जिनको आप जानते हो, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप स्टेटस पर आपका जबरदस्त तरीके से इनविटेशन एंड फॉलो अप चल रहा है, प्रेजेंटेशन क्लब में चल रही है। लिखिएगा, इनविटेशन एंड फॉलो अप इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका अपना काम है, ये आपने कर रहे हैं। आपके स्पॉन्सर लोग आपके लिए नहीं कर सकते, बट प्रेजेंटेशन तो क्लब में हो रही है, उनको सीख लो वन ऑन वन कैसे करना है। लर्न दिस। एक ट्रेनिंग में मैंने सीखा था, इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन, सॉरी, इनविटेशन एंड फॉलो इज द व्हाट वी डू। यानी कि इनवाइट करना लोगों को क्लब में फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड लोगों का फॉलो अप करना, लगातार बने रहना साथ उनके। ये खाली काम है जो करना है हमें, बाकी तो सारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। हेलो, क्लब कौन चला रहा है? आपके सीनियर कोच, क्लब ओनर्स। यहां ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ज्ञानेंद्र सिंह, गॉट इट। फिजिकल में ट्रेनिंग कौन देता है? वहां स्पीकर्स। आप क्या कर रहे हो? दैट इज द बैकग्राउंड म्यूजिक। टू योर पर्सनल एफर्ट विल लीड टू मेक ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। आपका पर्सनल एफर्ट है इनविटेशन एंड फॉलो। अच्छा, जो लोग प्रेजेंटेशन पे आ गए, क्या सब ग्राहक बन जाते हैं? नो, अगेडिंग नहीं। तो जो नहीं बने उनका फॉलो, और जो ग्राहक बन जाते हैं, क्या सभी रुके रहते हैं? आंसर नो। जो चले गए उनका फॉलो, और जो रुके रहे क्या वो अपने आप रुके रहेंगे? नो, उनका फॉलो। सो फॉलो इज द मेन पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। इस महीने कितने सारे ऐसे हैं जिनका सुपरवाइजर लेवल नजदीक है, मात्र 5-700 वॉल्यूम कम है? गाड़ी गोल बनाओ इस महीने, मुझे अभी भी 4-5 दिन बचे ना, सम न्यू कस्टमर्स, गॉट इट, सम न्यू कंजम्पशन या कुछ रिपीट कंजम्पशन, अनक्वालिफाइड सुपरवाइजर लेवल। कुछ लोग हैं जो सुपरवाइजर्स हैं बट वो काफी नियर है एक्टिव सुपरवाइजर की तरफ जाने के, पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, अनक्वालिफाइड एक्टिव सुपरवाइजर। क्या एक महीना गया? आंसर नो। अभी महीना नहीं गया, 28 तारीख है, अभी भी 4 बजे में। ऐसा है कि नहीं है? पुट योर बेस्ट एफर्ट। मेरा मतलब ये है कि मेले से मैं घूमते मत रहो मेले से मत घूमते रहो, ऊंघते मत रहो, आंखें खुली रखो, चौकन्ने रहो, ये देखो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, एंड जस्ट डू इट, उसे कर डालो। और ये लास्ट 65 डेज ऑफ दिस ईयर कैन टेक यू टू द ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर नेक्स्ट ईयर मिनिमम, दैट कैन टेक यू टू मिलियन टीम मेंबर नेक्स्ट ईयर। लास्ट 65 डेज एफर्ट, एंड मेनी ऑफ यू कैन रीच टू प्रेजिडेंटिंग मेंबर इन 2024 बिकॉज ऑफ दिस 65 डेज एफर्ट। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, सर अब तो बस 1 जनवरी शुरू करेंगे, अब तो ये साल गया, अब तो सब काम बस नए साल पर करेंगे ये लोग जिंदगी में जो नए साल आने पर, होली जाने पर, दिवाली आने पर काम शुरू करते हैं ना, इनकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता। जो लोग आज से एक्शन लेते हैं, आज से, फ्रॉम टुडे, दे कैन मेक थिंग्स हैपन।
हमारे मिलिट्री मेंबर सेल्फ डबल जीरो दिलीप बजाज जी, क्या लगता है आपको? इस अमेजिंग पर्सनैलिटी, डे एंड नाइट मैंने उनको काम करते देखा है, गॉट इट, अनबिलीवेबल। सुभाष जी, अभय जी, गॉट इट, धर्मेंद्र जी, अनबिलीवेबल, वनीसा एंड एवरीवन, कितना शानदार काम कर रहे लोग। ये लोग ऐसे ही आज लाखों रुपए की इनकम पे नहीं है, ये लोग आज अपनी सेहत कैसे लेवल पे नहीं, जो आज जब देखते ना लगता है वाओ क्या पर्सनैलिटी है। यस, दिन रात मेहनत की इन लोगों ने, इज अनबिलीवेबल। तो क्या आप तैयार हो जबरदस्त करने के लिए? रेडी एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। एंड आई क्वालिफाई प्रेजिडेंट मेंबर लेवल, एंड दिस वे मात्र 4 साल के अंदर मेरी इनकम थी महीने की दैट रीच मोर देन 10 लाख इन ए मंथ। एक ही महीने की इनकम 12 लाख रुपए इन 2018 नवंबर, मात्र 4 साल के अंदर। एंड दिस कैन बी योर, आई कैन से ड्रीम ऑल्सो। जॉन एनोवी सर से मिलने का मौका मिला ऑनलाइन जूम पर लॉकडाउन के दौरान, एंड इस तरह से करके फोटो पोस्टिंग मिली। अमेरिका खुद जाने का मौका मिला, 4 बार मार्किस बोनस क्वालिफाई कर चुका हूं, 3 बार मार्किस बोनस घर बैठे मिला, और 4थी बार अमेरिका जाकर के फिजिकली लाइव अमेरिका जाकर के मार्किस बोनस लेने का मौका मिला। और कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर लॉस एंजल्स में इस तरह हमारे नाम की तख्ती लेकर के अंग्रेज हमारा इंतजार कर रहे थे अमेरिका में, धरती के नीचे। सोचिए, पता अमेरिका कहां है? जहां बैठे उसके जस्ट नीचे है, पूरी आधी पृथ्वी घूम करके। सोचिए, मतलब आधी पृथ्वी नीचे जाकर के कोई हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने इस धरती के ऊपर? आर गेटिंग मी? ऐसा धरती के ऊपर क्या कर दिया कि धरती के नीचे जाकर के आधा वहां कोई हमारे नाम की तख्ती लेकर के एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा है? और ये आपकी जिंदगी में हो सकता है? कैन यू फील दिस नाउ? क्या विश्वास कर सकते हो ऐसा? क्या महसूस कर सकते हो एक दिन आपके साथ ऐसा होगा? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? यस, ये आपके संग हो सकता है। एंड मार्किस बोनस अचीवमेंट 2022 हमने लिया, और अमेजिंग हमारे नाम की जो एक टैली है वो वॉल ऑफ फेम पर, जो मतलब दीवार है वहां पर लगाने का मौका मिला। एंड किस तरह से रेड कार्पेट एंट्री, इस तरह का जीवन हमारा हो गया, इज अनबिलीवेबल। और वहां पर 95 कंट्रीज के सामने अपने देश का तिरंगा लहराने का मौका मिला मार्किस बोनस को अचीव करते हुए। इट वॉज ए प्राउड फीलिंग फॉर बीइंग एन इंडियन, एक भारतीय होने का गर्व महसूस हुआ जब 95 कंट्री के सामने अपने देश का तिरंगा लहराने का मौका मिला। और ये मौका एक दिन आपको मिलने वाला है, गॉट इट? इस तरह का सम्मान पहचान। एंड वहां पर देखिए विजय सिंगल जी, विजय टाक, एंड सुनील जी, आशुतोष मिश्रा जी, ताले करेंगे आशुतोष मिश्रा जी के लिए। सच ए ग्रेट लीडरशिप, गॉट इट? इट्स अमेजिंग। और कितना शानदार तरीके से वहां पर हम सभी लोग मौजूद थे। और ये देखिए, सभी फाउंडर सर्कल, चेयरमैन क्लब हमको बधाई दे रहे थे मार्किस बोनस लेने के लिए, 20K 30K। एंड वहां पर हमें मार्किस बोनस लेने के पहले, स्टेज पर आने के पहले, ये टचअप करने का मौका मिला। मतलब अंग्रेज लोग हमको और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे थे अमेरिका में। सी हमसे लंबी लंबी हाइट, एंड कितना गजब रहा। और ये लाइट कैमरा एक्शन वाली जिंदगी, दिस लाइट कैमरा एक्शन, ये जिंदगी हम लोगों को मिली वहां पर। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अनबिलीवेबल। और हमें हर बलिफ ने ऐसा बना दिया। आज हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन है ना, हमारे सामने पानी भरते हैं। यार मतलब क्या बना दिया हर बलिफ ने यार। नहीं, वो जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना, हॉलीवुड स्टार्स का बोल सको देखते हो ना स्क्रीन के ऊपर, वो सब पुट्टी और पेंट का कमाल है। रियल सुंदरता तो हर बलिफ में है। Are getting me? That's amazing. And इस तरह से ऐसे ऐसे गाड़ियों में हमको घूमने का मौका मिला। It was unbelievable. और वहां पर हेलीकॉप्टर राइड करने का मौका मिला। पूरे कैलिफोर्निया को हमने मात्र 10 मिनट में घूम लिया, पूरा कैलिफोर्निया हवा में घूमे। और देखो कैसा लगता है टॉम क्रूज एकदम, बिल्कुल नो, देखो पर्सनैलिटी, दो दो उधर बाउंसर है, किस तरह से निकल के हेलीकॉप्टर में, जैसे कि हेलीकॉप्टर मेरा ही हो ऐसा लग रहा है ना। हाँ देखो, वो मेरा नहीं वैसे, बाय द वे, इट्स नॉट माइन, गॉट इट? इट्स अनबिलीवेबल। तो ऐसी जिंदगी मतलब हो सकती है। एंड वहां पर घूमना फिरना, मौज मस्ती, फन अमेरिका में, इट वॉज अनबिलीवेबल। और इस तरह से जिंदगी हो गई झिंगल वाला।
इट वॉज अमेजिंग। लुईस ग्रेटन देखो, आप देखते हो लुईस ग्रेटन सर को, है ना, वो हमारे कंधे पर आकर के फोटो करवा रहे हैं। समंथा क्लेटन जो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, कार्य कितना शानदार रहा अमेरिका में। एंड बिफोर आई बिलीव आई वाज इन स्कूटी, मैं स्कूटी पर था। एंड 2017 में आई बोट एक्सयूवी कार फॉर मोबाइल ऑफ इनकम। एंड 2019 में आई बोट होंडा सिटी। एंड 2021-22 आई बोट फॉर्च्यूनर। इट्स अमेजिंग। एंड 15 साल लगातार 12 मकान हमने बदले किराए पर, एंड मेरे पेरेंट्स हैं एंड उनकी ब्लेसिंग लगातार बनी रही। इट वॉज अमेजिंग। एंड 15 सालों के अंदर 12 मकान किराए के बदले, बट उसी कॉलोनी में हमने अपने सपनों का महल बनाया है। सी सीधा मार्केट फोटो, लॉबी में मार्केट की फोटो है। एफ्रेस यहां बैठ के पीता हूं सुबह और चीयर्स करता हूं मार्केट के साथ में। चीयर्स मार्केट गार्डन। एंड ये तीन पत्ती जैसे घर में घुसते हैं, मंदिर, बेडरूम्स, अमेजिंग। सेवन स्टार होटल्स फेल है भाई इसके सामने। क्या जबरदस्त किचन। सी ये जो किचन है ना, सेंटर में खाना बनाने का है और यहां पर मान लो वाइफ खाना बनाते खड़े करके तो सामने टीवी देख सकती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाना बनाते हुए। इट्स अमेजिंग। तो ये सब क्यों दिखा रहा हूं आपको, ये इसलिए नहीं कि मैंने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। ये इसलिए कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। डाइनिंग एरिया एंड दिस अमेजिंग वॉशरूम्स। और हाँ, ये बड़े बड़े चेक आए मेरे को, ये दिखाने नहीं मुझे आपको, ये बहुत बड़े बड़े चेक है। जो रेगुलर चेक आता है मेरे को महीने का 25-26 लाख रुपए एवरी मंथ। इट्स अमेजिंग। घूमना फिरना मौज मस्ती फन इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स अनबिलीवेबल। और आज जिनकी जबरदस्त है, आज सेलिब्रिटी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। आज हर्बल इवेंट में दी है तो विराट कोहली और रोनाल्डो से कम नहीं है, बाकी भारत में कोई जानता नहीं है, और ये अच्छी बात है। हेलो, दिस इज गुड थिंग। हर्बल इवेंट में है तो विराट कोहली रोनाल्डो से कम नहीं है और बाहर हमें कोई जानता नहीं। कुछ भी करते रहो बाहर, कुछ ही मजे करते रहो। बड़ी नो जीव गॉट इट। तो ये बहुत शानदार है। अपने को ऐसा सेलिब्रिटी बनना है कि बाहर जाकर के पानी पूरी खाने का मन करे ना ठेले पे तो पानी पूरी खा सके, कोई पकड़े नहीं अपने को। गॉट इट। और अपने समुदाय के बीच में हो तो वहां अपन हीरो से कम नहीं हो। इट्स अमेजिंग। सो आज जिंदगी जबरदस्त है। एंड ये देखिएगा, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ माय कोच प्रशांत चौधरी। मैं दिल से ताली कहूंगा मेरे कोच प्रशांत चौधरी के लिए, और आप सब लोग भी दिल से ताली करें अपने कोच के लिए। अनबिलीवेबल। एंड थैंकफुल टू कैप्टन चरणजीत सर फॉर ऑल दिस, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। इज द फर्स्ट एसोसिएट राइट नाउ इन इंडिया एंड टॉप 10 इन द वर्ल्ड। एंड थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फॉर चूजिंग मी। मेरी जिंदगी को बदलाव करने का मौका मुझे मिला। एंड थैंकफुल टू माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, जिनकी वजह से आज मैं बना रहा और लगातार उनके सपने पूरा करने के लिए लगातार काम करता रहा। एंड थैंकफुल टू वन एंड ओनली मार्क्यूस वंस अगेन, आज जिनकी वजह से पूरी दुनिया अपनी सेहत का अच्छा बना रही है। इट्स अनबिलीवेबल। सो इट वॉज ऑल। एंड मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी शानदार लगी। ट्रेनिंग से कुछ पॉइंट आपने नोट किए, मुझे उम्मीद है, आई होप। एंड एक बड़ी प्रेरणा आपको मिली, और ये 60 मिनट जो आपको मैंने दिए, सही 60 मिनट, देखिए मैंने कहा था 60 मिनट, सही 8:30 पर मैं आपके सामने कॉल पर था और सही 9:30 पर रखे। ये जो जहाज है ना, ये बिल्कुल टाइम पे टेक ऑफ करता है, टाइम पे लैंड करता है, पता नहीं क्या, मतलब एकदम जबरदस्त टाइम की मैचिंग है। सो इट्स अमेजिंग। एंड आप सभी जबरदस्त करें। ये 2023 जो साल है, मैं फिर बोलूंगा आपको, दिस 2023 कैन बी द लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू। आप जो एक्शन लोगे ना साल में, ये एक्शन आपको 2024 में एक बहुत बड़े लेवल तक आपको पहुंचा सकते हैं। गॉट इट। सो आप सभी स्वस्थ रहें, आप जबरदस्त रहें, आपका परिवार खुश रहे, खुशियां भर भर के परिवार में आपके आए, एंड आपके सपने पूरे हो, और जो गोल आपने लिया हो आज, वो गोल पूरा करने तक आप रुको हब लाइफ के अंदर। ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू सो मच विजय भाई टू कॉल मी ऑन दिस कॉल। एंड मुझे उम्मीद है कि आज बाकी किसी की जिंदगी तो बदलेगी इस इवेंट की वजह से। थैंक यू सो मच। ओवर टू वंस अगेन विजय भाई ऑन दिस कॉल। Wow, thank you so much, sir. Amazing. आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी हॉलीवुड क्या बॉलीवुड, बॉलीवुड क्या हॉलीवुड वाले भी हमारे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो हम लोग यूएस में आके देख आए हैं। तो एक बार अगेन सर के लिए जबरदस्त वाला क्लैप करेंगे। और आज मतलब मैं नोट्स की बात करूं तो 2 पेज सेलेक्टेड नोट्स के मेरे भर गए हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात जो सर ने अभी कही है,
सेट योर गोल्स एंड परस्यू इट एग्जैक्टली, मतलब अपने गोल सेट करके उसके ऊपर हमें काम करना है टुडे ऑनवर्ड, टुडे ऑनवर्ड। अभी सर ने बोला ना कि लोग बोलते हैं सर ये साल तो खत्म हो गया, अब दिवाली दशहरे में चला जाएगा। अच्छा जब जनवरी आती है ना सर, तब वो पता क्या बोलते हैं, सर अब जनवरी आ गया है, थोड़ा सर्दी है अभी ना, फरवरी में तो, जनवरी फरवरी में तो लोग शेक पिएंगे नहीं, और हम लोग ना मार्च अप्रैल से करते हैं। भारत का साल तो अप्रैल से शुरू होता है, तो अपना तो ऐसे ही खत्म हो जाता है जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। बट क्या आप सब लोग मुझे मतलब मेरा साथ देंगे सर को ये चीज बोले तो कॉन्फिडेंट पक्का करने के लिए कि हम लोग इसी महीने से सर ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2-5 मिलीनियर टीम, प्रेसिडेंट टीम, इन सब की तैयारी करेंगे और 31 मार्च 2024 से पहले पहले अगले 5 महीने में, मतलब इन 65 दिनों में जो आपने कहा, इन 65 दिनों में हम लोग काफी नए ग्लोबल एक्सपेंशन टीम और गेट 2500 आने वाले हैं हमारे बीच में, और सर को पहले ही आभास हो जाता है, दैट्स व्हाई ही इज अवर स्पॉन्सर, ही इज अवर कोच, ही इज अवर सुपर कोच, है ना, तो ये पहले से ही हो जाता है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी से बुलाऊंगा हमारे बीच में कुछ लीडरशिप जो वीडियो ऑन करके हैं, वो एक बार सर का स्वागत करेंगे और सर को बोले तो थैंक्स करेंगे। हमारे कुछ मिलीनियर टीम हमारे बीच में है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मिलीनियर टीम आभय सिंह जी से, और हम सब ने मिलकर सीखा है सर से जबरदस्त तरीके से। यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सिंगल सर, कि वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, एंड बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। सो थैंक यू सो मच सर ऐसे इवेंट्स के लिए। और वो दिन भी मुझे याद है 18 अक्टूबर 2015 जब आप सर को लेके गुड़गांव पहली बार आए थे और सर की आवाज को रिकॉग्नाइज कर रहे थे लेकिन उनके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जिन ज्ञानेंद्र सर को जानते थे वो ओवरवेट हुआ करते थे, वो टाई वाले ज्ञानेंद्र सर को हम जानते थे पहले से। सो सर का रिजल्ट देख के जब ट्रांसफॉर्म हुआ और आप लोगों की गाइडेंस से हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और उसके बाद से कभी नॉलेज की अगर बात करें, स्पोर्ट की बात करें, सो एजुकेशन की कभी सर ने कमी नहीं होने दी। बहुत सारे इवेंट्स लाइनअप रहते हैं, हमने मेरठ में भी खूब अकेडमीज देखे हैं, जयपुर में भी, लुधियाना में भी। तो ये सारा जो जो ज्ञान की गंगा है वो लगातार बह रही है, और सर को इसीलिए मतलब खाली पहली गुरु ज्ञानेंद्र जी नहीं कहते, वाकई बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में सर ने शुरू किया एंड मेंटेन किए हुए हैं। सो आज भी काफी सारे नोट्स बनाए, और सर की हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ अलग होता है, सर की हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ हमेशा अलग मिलेगा। सर जो सीख के आते हैं वो हमेशा बांटने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, और हम लोग लकी हैं कि हम सर की ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। बहुत बड़ा काम करना है, और सर अभी तो 1 क्वार्टर बाकी है इस साल का, अभी अक्टूबर समेत, अभी 3 दिन के समेत, ये 3 दिन लास्ट के जो 3 दिन होते हैं ना, अंतिम समय में किया गया प्रयास, ये बहुत रंग लाता है, और हम सब एक्साइटेड हैं सर स्पेक्टाकुलर को लेके। बहुत सारी टिकटें अभी हो गई हैं एंड डेली 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 हमारी टिकटें हो रही हैं, हम लोग और मेहनत कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके अपने दिल्ली, जयपुर, जो भी नियर बाई लुधियाना हमारे जो है वहां पे हम आ सके, और बहुत बड़े बड़े लेवल्स अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हैं सर। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आप बच्चों को संभालते रहें, और आपकी गाइडेंस में हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच विजय सर, एंड थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र सर, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच अभय जी, एंड गॉड ब्लेस यू। और वाकई ये सब पॉसिबल हुआ है ज्ञानेंद्र सर की वजह से। और अभी हम बात करेंगे हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी करण सोमरा जी से। यस करण जी, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्लैप कर दीजिए विजय सर के लिए कि आज आपने ज्ञानेंद्र सर से मिलवाया, डेफिनेटली बहुत बढ़िया सर, और जितना ज्ञानेंद्र सर का थैंक यू किया जाए उतना ही कम है सर, रियली मैं अप्रिशिएट की, मतलब बहुत ही यूनिक आपकी स्टोरी रही। मैं सर डॉक्टर करण सिंह, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, झुंझुनू राजस्थान से हूँ, 4.5 साल मुझे हो गए हैं सिस्टम में, और सर स्टार्टिंग मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने दलीप सर को बोला मेरा ऑफिस बनवा दीजिए, तो मुझे ना कुछ रिजल्ट दिए, उसमें एक आपका रिजल्ट भी था, और मुझे बहुत पूछते थे ये रिजल्ट सही है क्या, मैंने बोला ये सही है, आपका रिजल्ट दिखा देगा, हमने बहुत कस्टमर बनाए, ये सत्य बात है। अगर मैं आपको बोलूं और अगर रॉयल्टी दी जाए आपको उस रिजल्ट की, तो बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है आपको उस पे, आपका रिजल्ट इतना काम में लिया गया है। और आज आपने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि आपको ना अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए लोगों के, लोगों को हम बात करें उससे बेस्ट है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को निखारें, और ये निखार कहाँ से आएगा, ये निखार सक्सेस स्टोरी से आएगा, ट्रेनिंग से आएगा। अभी आप स्पेक्टाकुलर की बात कर रहे थे सर, रियली हम बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा टिकट हम बुक करा चुके हैं, 100 ज्यादा,
और इसको 200 करने का पूरा प्रयास रहेगा। एक 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 व्यक्ति को कॉल करके हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। और आज आपकी स्टोरी से मुझे लगता है कि आज शायद 20-30 टिकट तो झटके में वैसे ही बुक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और थैंक यू सर, इसी प्रकार से हमारे बीच में आते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम हवा में रहें। हवा में समझ रहे हैं सभी, हवा में हमारा काम होगा। ओके थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सोमराज जी, और बिल्कुल सही कहा आपने ज्ञानेंद्र सर। हमने कुछ एक वो रखा हुआ है मापदंड कि अगर किसी को अगले 3 महीने में प्रेसिडेंट टीम करना है तो 200 लोग उसके किसी बड़े इवेंट में बैठने चाहिए, जो आज से 7 साल पहले आपने मुझे बताया था। ये मापदंड आज भी वही है। मैं सबको बोलता हूं कि जो ज्ञानेंद्र सर ने हमें बोला था कि आपको अगर हेल्थ के लिए काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको न्यूट्रिशन क्लब में आना पड़ेगा, और अगर आपको वेल्थ के लिए काम करना है तो आपको ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा। और जिसका 200 हो गया उसका प्रेसिडेंट टीम 3 महीने में, जिसका 100 हो गया उसका मिलीनियर टीम, जिसका 50 हो गया 2-5, और जिसके 40 लोग बैठ गए वो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 100%। बट एक सुपरवाइजर के 5 बैठने चाहिए। एक सुपरवाइजर तभी एक्टिव सुपरवाइजर है जब उसके 5 लोग उधर बैठेंगे। हम लोग 200 से ज्यादा टिकट बुक कर चुके हैं सर, और 100% हम आपसे कमिट करते हैं कि 500 से ज्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के उधर बैठने वाले हैं। तो अभी कोई और मिलीनियर टीम का अगर वीडियो ऑन है तो आ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बुलाते हैं हमारे मिल 7500 ना बोले तो हीरो ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन सून टू बी प्रेसिडेंट टीम दलीप बजाज। यस दलीप, थैंक यू सो मच विजय सर, आपने मुझे इनवाइट किया, एंड गुरुदेव को प्रणाम। ज्ञानेंद्र सर को काफी दिन से हम लोग मिस कर रहे थे, और ज्ञानेंद्र सर को फिजिकल इवेंट में बुलाने वाले हैं अगले 3 महीने में, है ना। ये क्वार्टर खत्म हो जाए, जरा नए साल की शुरुआत सर से करवाने वाले हैं फिजिकल में। यस जी जी ज्ञानेंद्र सर, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम लोग हिंदुस्तान में सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। और एक्चुअली जिसका कैप्टन इतना मस्त हो फिर उनकी टीम में तो मस्त रहना बनता ही बनता है। आपकी स्टोरी हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र सर का फेस देख लेना ही अपने आप में एक ट्रेनिंग है, और सर का जो सिंप्लिसिटी है मैं कभी जीवन में भूलता नहीं हूँ। और जब भी कभी स्टार्टिंग फेज में जब भी जरूरत पड़ी, सर ने हमेशा कंधे पे हाथ रख के कहा कि बजाज आगे बढ़ो, मैं साथ में हूँ। और डेफिनेट सर, हम लोग वाव इवेंट जयपुर में भी लास्ट में हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, हम लोग 500 लोग थे आपकी टीम से, विजय सिंगल सर एंड मेरी टीम से लगभग 650 लोग उस इवेंट में थे। और स्पेक्टाकुलर में मैं प्रोमिस करता हूँ मैं लगभग 400 से ज्यादा लोगों के साथ स्पेक्टाकुलर जयपुर बैठ रहा हूँ, और बहुत जल्दी ही सर आपको भी हम लोग फिजिकली बुलाएंगे। और डेफिनेटली एक दिल में कहीं ना कहीं एक मन है कि एक जो सेलिब्रेशन है वो आपके ही हाथों होना है, तो हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और मैं सभी टीम को कहना चाहता हूँ कि रात दिन एक कर दीजिए, बहुत सारा काम करना है, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है जीवन में, सो डे नाइट काम करना है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ एक बार फिर से ज्ञानेंद्र सर के लिए क्लिप करेंगे, एंड यू नो अगर हर्बल टाइप न्यूट्रिशन में अगर कोई बात चलती है, प्योर हार्ट की बात चलती है, तो ज्ञानेंद्र सर यू नो यूर सुपर हीरो। और मैंने ज्ञानेंद्र सर को उस टाइम से मैं जानता हूँ जब ज्ञानेंद्र सर का, कई बार हम लोग मजाक भी करते थे, ज्ञानेंद्र सर का जो बैग था वो ज्ञानेंद्र सर से भी बड़ा होता था। डे नाइट काम करना, और अगर किसी ने हिस्ट्री क्रिएट करी है डे नाइट काम करने की तो ज्ञानेंद्र सर ने करी है। और सर को एक गाड़ी से उतारते, दूसरे में बिठाते, फिर ट्रेन में, फिर फ्लाइट में। थैंक यू सो मच सर, और आपकी वजह से आपके बच्चे आज बहुत कमाल कर रहे हैं। और मैं पर्सनली वादा करता हूँ सर, बहुत बहुत जल्दी ही आपको बहुत यू नो प्राउड फील करवाऊंगा मैं, और सारी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सा क्लिप मेरे स्पॉन्सर के लिए, जो कि यू नो दुनिया में अगर कोई अगर एक्टिव आदमी की बात करे, कोई अगर यू नो इफेक्टिव की बात करें, तो विजय सिंगल सर के अलावा कोई यू नो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, और लगातार आप सक्सेस मंत्रा में इस तरीके की ट्रेनिंग और आप करवा रहे, लीडरशिप को अवेलेबल कराते हैं, थैंक यू सो मच। एंड एक बार पर्सनली दिल से थैंक यू ज्ञानेंद्र सर, आपने ट्रेनिंग दी, थैंक यू सो मच सर। चलिए थैंक यू सो मच दलीप जी, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड स्पेशल थैंक्स ज्ञानेंद्र सर का। और हम लोग देखिए, जब ज्ञानेंद्र सर आएंगे तब फिजिकली इनको हम लोग मिठाइयां खिलाने वाले हैं हर्बल लाइफ की, मतलब बना के। और अभी हम लोग एक जबरदस्त बुके के साथ सर का सेलिब्रेशन करेंगे, और आप लोग सेल्फी ले सकते हैं। जस्ट वेट, यस, सो दिस इज फ्रॉम अवर बॉटम ऑफ हार्ट एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज्ञानेंद्र सर आपका थैंक यू, और जस्ट वेट, यस।
तो हम इस पे एक बार यस फोटो ले सकते हैं आप सभी। वेरी गुड। और आप लोग जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, मैं चाहूंगा आप लोग टैग करके इंस्टाग्राम पे, है ना, अपने प्रेसिडेंट टीम, अपने गेस्ट स्पीकर, अपने स्पॉन्सर को टैग करके आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, है ना। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं एंड नाउ इज द टाइम टू गो गुड टू ग्रेट। अभी हमें गुड से ग्रेट जाने के लिए जरूरी है, तो अगेन एक बार थैंक्स करेंगे सर का। और सर की एक प्रीमिट है, सर को उधर जाना है, तो थैंक यू सो मच सर। और अभी हम लोग बात करते हैं कि आज सर ने हमसे क्या बात किया है। देखिए, मैंने जो 10-15 नोट्स बनाए हैं, मैं चेक कर रहा था, काफी लोग हमारे बाद में आए हैं, आप चाहें तो वो लिख सकते हैं जो लोगों ने लिखा नहीं है। हम जल्दी जल्दी स्पीड पे एक बार रिपीट करेंगे, 10 से 15 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मे बी शायद किसी के रह गए हों। ये पॉइंट सर ने बोला, सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बट कई बार कोई एक लाइन हमारी टर्निंग पॉइंट हो सकती है, एक लाइन है ना, लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो सर ने हमें सबसे पहले बोला, अवर प्राइमरी फोकस इज थॉट्स। हमारा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो सोच के ऊपर होना चाहिए। अभी बताया ना सर ने कि बल्ब पहले आया या सोच पहले आई। अवर प्राइमरी फोकस इज ऑन थॉट्स ऑन इंक्रीजिंग अवर डेली कंजप्शन। सोच हमें पहले बनानी है कि हमें अपनी डेली कंजप्शन इंक्रीज करनी है। किसके साथ? सबसे पहले अपने स्पाउस के साथ। कई बार लोगों के स्पाउस यूज ही नहीं करते, हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ नहीं करती, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड नहीं करती, और दोनों मिलके कर रहे हैं तो बच्चे नहीं करते, और बच्चे कर रहे हैं तो माता पिता नहीं करते। तो सबसे पहले ये सोच हमें बड़ी करनी है, ये सोच अपने अंदर लेके आनी है, तभी हम बड़ा काम कर सकते। सेकेंड, ओके, अटेंड ऑल इवेंट्स विद योर एक्टिव स्पॉन्सर। मैं आपको बताऊं, मेरे को एकेडमी में 19 अक्टूबर 2015 में पहली बार आशुतोष जी मुझे एकेडमी में लेके गए थे। उन्होंने टिकट बुक कराया था क्योंकि मैं कैप्टन चरणजीत को नहीं जानता था, पर दूसरी बार से लेके अब तक कोई भी मेरी एकेडमी की टिकट, मेरे किसी इवेंट की टिकट किसी ने बुक नहीं करवाई है, मैंने खुद किया है। अभी आपको ज्ञानेंद्र सर ने बताया, तो आपको भी ऐसे ही बनना है। अटेंड ऑल इवेंट्स, अभी जैसे बताया, एक सुपरवाइजर को 5 टिकट जरूर बुक करनी है, पर बाद में बोलेंगे हाय रब्बा ये तो सोल्ड आउट हो गया। अभी हुआ ना, लुधियाना वेट करते रहे सोल्ड आउट, फिर 5,000 का हो गया, अभी दूसरा भी हो जाने वाला है, दिल्ली भी होना है, जयपुर भी होने वाला है। थर्ड, अभी सर ने क्या बोला है, मोर इन्विटेशन टू हेल्प फॉर द हेल्थ एंड वेल्थ आल्सो। अगर आपको हेल्थ के लिए हेल्प करनी है तो ज्यादा इन्विटेशन करेंगे, और अगर आपको वेल्थ के लिए करनी है तो मेक अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 100%। सर ने बोला कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, तभी 30 से 40 होंगे। पहले महीने में ही मैंने 22 लोगों को स्पॉन्सर किया था, और वेरी फर्स्ट 3 मंथ में 22 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर थी मेरी, 22 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, है ना। एंड अनदर वन इज, सर ने बोला क्लैरिटी ऑन द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी एसोसिएट और रिक्रूट कमेंट के ऊपर, कि पर्पज होना चाहिए कि कितने लोग मुझे रिक्रूट करने। जैसे आप एचआर हो, आप सीईओ हो अपने खुद की कंपनी के, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो अपनी खुद की कंपनी के, तो वो सर ने बोला है तभी 30 से 50 फर्स्ट लाइन आपकी होंगी जो आपसे। अब अभी पिछले सक्सेस मंत्रा में हमारी टीम में से कुछ लोग थे, जिनमें से अभी डॉक्टर करण उसमें नंबर 1 पे आए थे, कि कितने लोगों को इधर लेके आए हैं फर्स्ट लाइन, है ना। यू कैन क्लैप फॉर करण सोमराज जी, है ना। तो हमारे काफी लोग थे उसमें जो फर्स्ट थे, और काफी सुपरवाइजर थे जो 5,000 वॉल्यूम करते थे, तो स्टेज पे उन्हें मौका मिला था, तो आप समझ सकते हैं। और वो अभी अनस्टॉपेबल, रुकना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास भारत में 200-300 फर्स्ट लाइन वाले लोग हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड अगेन, वी आर जस्ट अ कोच। If you want to continue, सर कह रहे कि हम अभी एक कोच हैं, है ना। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉर्पोरेट से, वो बोलते हैं ना थ्रू, मतलब हम कोच हैं। अभी कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, 5-7 साल से खुद ही सामान बेच रहे हैं, खुद ही। सर ने स्पेशली बोला है, जैसे करियाने की दुकान करते हैं ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, तू तो मेरे से ले आकर बस, और फिर अंदर बोलते हैं मेरे से नहीं लेगा तो मेरा कैसे चलेगा, तेरा भी चलेगा,
पहली बार सिर्फ आपसे देना है, दूसरी बार कॉर्पोरेट से लेना है। वी आर नॉट ए सेल्समैन, वी आर ए शेयरर। हम शेयर करते हैं, सिर्फ शेयर करना है। और शेयर कितना कर सकते हैं? थोड़ा बहुत। पेटियां भर के थोड़ी शेयर करते हैं, गिलास भर के शेयर करते हैं। वी आर शेयरर नॉट सेलर। तो आपको दूसरी बार में न्यूट्रिशन या तो प्रेफर्ड कस्टमर बना के देना है या एसोसिएट बना के देना है। वो ना भी करे तब भी पीसी बना के देना है। ये सर ने बहुत बड़ी बात बोली है ना। एंड दो ही काम आप करने हैं, डाइट प्लान एंड ट्रेनिंग प्लान। डाइट प्लान से आपकी हेल्थ अच्छी होगी और ट्रेनिंग प्लान से आपकी वेल्थ अच्छी होगी, पॉकेट अच्छी होगी। पॉकेट अच्छी होगी तो आपका अच्छा ऑफिस बनेगा, अच्छा घर बनेगा, जैसे कि मैं बना रहा हूं। और सभी लोग इनवाइटेड हैं उसमें। मिलीनियर टीम एंड अबव दो दिन उधर रुकेंगे, एक रात और दो दिन। ऑल मिलीनियर टीम एंड अबव, जो नए मिलीनियर टीम बनेंगे, पुराने वाले तो उस टाइम तक प्रेसिडेंट टीम बन जाएंगे, है ना। तो वो सब उधर इन्वाइटेड है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। उसके अलावा सर ने और बहुत चीजें बोली है, बट मेन बोला है क्लियर फोकस ऑन सेहत हेल्थ एंड क्लियर फोकस ऑन ऑल ट्रेनिंग्स, इसके ऊपर है ना। और तीन बातें जो सुबह रह गई थी हम बोलेंगे मार्क्यूस साहब की, हैव एब्सोल्युटली पेशेंस टू हेल्प पीपल्स। आपको एक एब्सोल्युटली पेशेंस रखना है लोगों की मदद करने के लिए। एंड हैव ए गुड एटीट्यूड इवन एट द बैड टाइम। अगर हमारा बुरा समय भी चल रहा है, उस समय में अच्छा एटीट्यूड है, दैट्स द सीक्रेट। वही सीक्रेट है, अदरवाइज अच्छे टाइम में तो सबका एटीट्यूड अच्छा हो जाता है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, नहीं सर आप प्रेसिडेंट टीम आप सब यूज कर सकते हैं। सॉरी, मैं सुपरवाइजर लेवल से सारे प्रोडक्ट ओपन रखता हूं अपने घर में, सुपरवाइजर लेवल से। जो मेरे घर आते जाते हैं उनको पता है ना। हैव ए गुड एटीट्यूड इवन द बैड टाइम एंड लर्न टू डुप्लीकेट हाउ टू रिक्रूट एंड स्पॉन्सर। मतलब कैसे आपको लोगों को कस्टमर बनाना है और कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। काफी और भी ट्रेनिंग रह गई है, बट इतनी काफी है। इसमें से अगर एक लाइन भी हम लोग सही तरीके से करेंगे तो बढ़िया होने वाला है। अभी हम लोग दो सॉन्ग प्ले करने वाले हैं, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। देखो 50% का रेशो रहता है, 1000 में से 500 परिवार इधर हैं और ये सब प्रेसिडेंट टीम हैं। बनेंगे दूसरे भी, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, बस ज्यादा नहीं। वो 10-15 दिन लेट बनने वाले हैं, महीना लेट बनने वाले हैं, क्योंकि वो भी 1 घंटा उन्होंने भी इधर लगाया है।